वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग बातें करने वाले हैं स्कंदा मूवी के बारे में, जो कि स्कंदा का मूल से ऐसे अर्थ होता है हिंदू गॉड ऑफ वार, मतलब कि भगवान शिव। यह 2023 में ही ये फिल्म को रिलीज कर दी गई थी, जो कि तेलुगु भाषा की ये मुख्य रूप से एक्शन फिल्म है, जो बायुपति श्रीनु के द्वारा निर्देशित की गई थी। दोस्तों आज इस मूवी समीक्षा में इसमें बहुत सारे हम फैक्ट्स भी बात फैक्ट्स के बारे में भी बोलेंगे, बहुत सारी समीक्षाएं भी करेंगे इसकी, और इसके निर्देशक के बारे में, किनके द्वारा लिखा गया, किनके द्वारा संवाद दिया गया, कौन सी उत्पादन कंपनियां हैं, कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं, छायांकन किसके द्वारा किया गया, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, सारी चीज़ों के बारे में आज डिटेल्स हम लोग इस पर बातें करेंगे, और इसके बाद हम लोग इस पूरे मूवी की समीक्षा करेंगे, इसके फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यह है भयापति सिन्हू के द्वारा निर्देशित और जी स्टूडियो के सहयोग से श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन के तहत श्रीनिवास चित्तूरी द्वारा निर्मित फिल्म है। और इस फिल्म के कलाकार की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से श्रीलीला, साई मंजरेकर, श्रीकांत, शरत लोही तस्वा, अजय पुरकर, डग्गुबाती राजा और प्रिंस सेसिल के साथ मुख्य रूप से रामपोथी नेनी, जो कि ये इसमें डबल रोल अपनी इसमें उन्होंने निभाया है। संवाद जो है एल रत्नम का है, और ये रिटेन जो है, मतलब कि इस फिल्म को जो लिखा गया है वो बोयापति श्रीनु के द्वारा ही लिखा गया है, और निर्देशन भी बोयापति श्रीनु के द्वारा किया गया है। और इसकी जो उत्पादन कंपनियां श्रीनिवास चित्तूरी और पवन कुमार ने इसको इसके प्रोड्यूसर है, और छायांकन संतोष जीटेके ने किया है, और थम्मी राजू ने इसको संपादित किया है, और संगीत दिया है एस थम्मन ने। जी हाँ दोस्तों, तो अभी साउथ की जितनी भी सारी मूवी आ रही हैं सब में संगीत जो है एस थम्मन ही दे रहे हैं, क्योंकि एस थम्मन जो म्यूजिक दे रहे हैं वो फिल्म तो निश्चित रूप से हिट हो ही जा रही है, और तो खासकर उनका बैकग्राउंड स्कोर जो है वो भी बहुत धमाकेदार होता है, जो कि सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इस फिल्म की रिलीज की बात की जाए तो 28 सितंबर 2023 को इस फिल्म को रिलीज कर दी गई थी, और कुल मिलाकर इससे फिल्म की जो समय है वो 167 मिनट है, और मुख्य रूप से ये तेलुगु भाषा में ही रिलीज की गई थी। और इसके बजट की बात किया जाए तो इस फिल्म का टोटल बजट जो है वो 50 करोड़ रुपए के बजट में इस फिल्म को बनाया गया, और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बातें करें तो लगभग 60 करोड़ रुपए अपने हिंदुस्तान में इसने कमाया है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा तो फरवरी 2022 में ही अस्थायी शीर्षक बोयापति रापो के तहत की गई थी, जबकि आधिकारिक शीर्षक स्कंदा की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी, और मुख्य फोटोग्राफी जो है वो अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो गई थी और अगस्त 2023 में समाप्त हुई थी। और सारी चीज़ों को मैं दोस्तों बता रहा हूँ, मतलब कि प्री प्रोडक्शन के बारे में बातें हम लोग कर लेंगे, और पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में बातें कर लेंगे। प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों संगीत इसका जो है सो थमन एस के द्वारा रचित है, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः संतोष डेटेक और तम्मी राजू द्वारा संभाला गया था। स्कंदा को 28 सितंबर 2023 को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, और इसकी कहानी, राजनीतिक व्यंग, निर्देशन, मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और एक्शन स्टंट के लिए इसकी भारी आलोचना की गई थी। फिल्म ने लगभग 50 करोड़ के बजट के मुकाबले 60 करोड़ रुपए की इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। और इसके कथानक पर थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं, इसकी थोड़ी सी स्टोरी पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी रिव्यू करेंगे कि इसमें मुख्य रूप से फिल्मों में क्या कमी रह गई, क्या इसका निगेटिव पॉइंट, क्या पॉजिटिव पॉइंट, सारी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसकी जो कहानी का सारांश जो है वो है, रायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो अपनी बेटी की शादी चिनप्पा से कराते हैं, और शादी के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रंजीत रेड्डी का बेटा एक अतिथि के रूप में विवाह स्थल पर आता है और रायडू की बेटी के साथ भाग जाता है। इससे रंजीत रेड्डी और रायडू
रोहित हो जाते हैं, जहाँ वे एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। और इसी बीच पुरुष नायक एक कॉलेज छात्र है जो रायडू की बेटी और रंजीत रेड्डी की बेटी, लेकिन महिला नायक जो पुरुष नायक की सहपाठी भी होती है, का अपहरण कर देता है और उन्हें रुद्र राजू पूरम में अपने गृह नगर ले जाता है। और यह पता चलता है कि अपहरण क्राउन ग्रुप के कंपनी के सीईओ द्वारा रुद्र क्रांति रामकृष्ण राजू से जुड़े हुए हैं, जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं। और रंजीत रेड्डी और रायडू ने अपने अवैध धन को वैध बनाने से इनकार करने के कारण उन्हें गलत तरीके से कैद कर लिया था। और यह भी पता चलता है कि रामकृष्ण ने राजू नायक के पिता मणिकांत राजू के सबसे अच्छे दोस्त हैं। नायक रामकृष्ण राजू की बेगुनाही साबित करना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी रुद्रगंती परिणीता को बचाने के लिए दोष लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसे रंजीत और राजू के लोगों ने बंदी बना लिया था। और बिना किसी विकल्प के रंजीत और रायडू ने रामकृष्ण राजू को जेल से छुड़ा लेता है। इसके बाद दोनों एक मंदिर उत्सव में नायक और उसके परिवार पर हमला करते हैं, लेकिन नायक के हमशक्ल द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। आखिरकार रंजीत और रायडू ने मीडिया के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया, जब रामकृष्ण राजू ने नायक के हमशक्ल के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह मोरक्को का एक कुख्यात हत्यारा है, जो डैनियल नामक मोरक्को स्थित शक्तिशाली अपराध मालिक की मौत के लिए जिम्मेदार है। और इस उसके इतिहास के बारे में जानने के बाद रायडू और रंजीत रेड्डी उससे भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हमशक्ल दूर चला जाता है और यह दर्शाता है कि उसका अतीत स्कंदाटू नामक अगली कड़ी में निश्चित रूप से सामने आएगा। मतलब कि इसके निर्देशक इस कहानी को वहां तक छोड़ देते हैं, जिसके बाद स्कंदाटू भी एक सिक्वल के रूप में दर्शकों के सामने फिर से लाया जा सके। दोस्तों, इस फिल्म के कलाकार में जो है मुख्य रूप से रामपोथी नैनी, जो कि डबल भूमिका में वो काम कर रहे हैं, और श्री लीला भी है, जो कि रंजीत रेड्डी की बेटी के रूप में उन्होंने काम किया है। रुद्र क्रांति परिणीता है, जो कि साई मंजरेकर अम्मुल्लू के रूप में साई मंजरेकर है। रुद्र क्रांति रामकृष्ण राजू की बेटी और हमशक्ल की प्रियंका श्रीकांत रुद्र क्रांति रामकृष्ण राजू के रूप में है। और शरत लोहित सस्वा रंजीत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री और मेयर नायक के पिता के रूप में है। संजय रेड्डी के रूप में प्रिंस सेसिल ने काम किया है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रायडू के रूप में अजय पुरकर ने इसमें काम किया है। दोस्तों, इसके पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में कुछ चर्चा हो जाए। 18 फरवरी 2022 को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा की, जो बोयापति सिन्हू के द्वारा निर्देशित है और इसमें रामपोथी नैनी मुख्य भूमिका में होंगे। ये आपको पहले से ही चर्चा थी और इसे अस्थायी तौर पर बोयापति रापो नाम दिया गया था। और 1 जून 2022 को हैदराबाद में एक मुहूर्तम पूजा आयोजित की गई थी और 5 अक्टूबर 2022 को श्री लीला को पहली बार रामपोथी नैनी के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। और 3 जुलाई 2023 को एक झलक जारी की गई, जिसमें स्कंदा शीर्षक का पता चला था। और इसके फिल्मांकन की बात करें तो मुख्य रूप से मुख्य फोटोग्राफी 6 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और दूसरा शेड्यूल नवंबर में शुरू हुआ और इसमें एक एक्शन सीक्वेंस शामिल था। और तीसरा शेड्यूल जनवरी 2023 में शुरू हुआ था और शेड्यूल में पोथी नैनी और श्रीलीला का एक दृश्य भी उसमें शामिल था। और इसके साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की बातें करें तो इस थमग के द्वारा इसको तैयार किया गया है, जो कांदी रेगा मसाला और पांडागा चिस्को के बाद पोथी नैनी के साथ अपने ये चौथे फिल्म में साथ में है। सराय नोडू और अखंड के बाद बोयापति सिन्हू के साथ ये तीसरा सहयोग है और पहला एकल नी चुट्टू चुट्टू 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था और दूसरा एकल शीर्षक गंदराबाई 18 अगस्त 2023 को जारी किया गया था।
और तीसरा एकल शीर्षक दुमरे दुमा 30 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, और चौथा जो गाना था वो कट मामा 18 सितंबर 2023 को जारी कर दिया गया था। और इसको रिलीज की बात करें तो स्कंदा को पहले 20 अक्टूबर 2023 को तेलुगु में, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डब संस्करणों के साथ रिलीज किया जाना था, लेकिन इसे 28 सितंबर 2023 तक फिर से इसे बढ़ा दिया गया। इस फिल्म के लिए राम पुथिनेनी का प्रभावशाली परिवर्तन उल्लेखनीय है। उनका बिस्ट मूड, खासकर जब वह एक्शन दृश्यों में दुश्मनों को मार गिराता है, बिल्कुल ही असाधारण है। उनकी सामूहिक उपस्थिति के अलावा उनकी अद्भुत संवाद अदायगी दृश्यों में और अधिक वजन जोड़ देती है। एक नायिका के रूप में श्रीलीला बहुत ही कम प्रभावशाली इसमें बन पड़ी है, लेकिन वह अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। अपनी शानदार सुंदरता और नृत्य चाल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। श्रीकांत को एक अच्छी भूमिका मिलती है, और भले ही स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति कम है, लेकिन पूरा शो उनके इर्द गिर्द ही घूमता है। दग्गू बाकी राजू ने भी अच्छी भूमिका निभाई है, और सबसे खास बात कि एस थमन अपने उत्कृष्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए सराहना के पात्र हैं, जो कई दृश्यों को बेहतर बनाता है। और इसके नकारात्मक अंक जो हैं वो ये है कि जादू का आनंद लेने के लिए तर्क को बिल्कुल ही भूल जाइए, और यह उदाहरण बोयापति सीनू की हाल की फिल्मों पर बिल्कुल ही लागू होता है, खासकर इस फिल्म में लड़ाई के दृश्यों पर। इस दृष्टि से स्कंदा भी अपवाद नहीं है। हालांकि झगड़े आनंददायक होते हैं और दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं, फिर भी ऐसे क्षण आ सकते हैं जब वे सवाल करते हैं कि यह कैसे संभव है। कहानी ज़्यादातर कुछ भी नया नहीं पेश करती है, जो एक ऐसा पहलू है जिस पर बोयापति सीनू को अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिल्म की शुरुआत दिलचस्प होती है, लेकिन जल्द ही यह अपनी गति खो देती है, और दूसरे भाग में इसकी गति धीमी बनी रहती है। दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाले सामूहिक संवाद तैयार करने और प्रशंसकों को सीटियां बजाने पर मजबूर करने वाले सामूहिक झगड़ों का निर्देशन करने के अलावा उन्हें कथानक पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जो आकर्षक होना चाहिए। गाने और उसका प्लेसमेंट बिल्कुल सही नहीं है, मतलब कि दृश्य कहीं और चल रहा है, गाना कुछ और ठूस दिया गया, ये बिल्कुल ही उस फिल्म के लिए सटीक नहीं बैठता है। एक दो गानों को छोड़कर बाकी सब भूलने योग्य है, क्योंकि वो कर्णप्रिय नहीं है। फिल्म में इंद्रजा, गौतमी और अन्य जैसे कई पात्रों का परिचय दिया गया है, जिनका कथानक में योगदान करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। निर्देशक को उन्हें अधिक गुंजाइश देनी चाहिए थी, कम से कम कुछ संवाद बोलने के लिए। दूसरे भाग में भावनात्मक हिस्सा अच्छा है, लेकिन उत्कृष्ट नहीं है। इसमें सुधार किया जा सकता था। कुछ संवाद राजनीतिक दलों को लक्षित करते हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पर दर्शकों के साथ अधिक गूंज सकते हैं, खासकर बी और सी केंद्रों में। बोयापति सीनू एक बड़े पैमाने पर मनोरंजन के साथ लौट रहे हैं, जो भावनाओं से अधिक एक्शन की ओर झुकता है। एम रत्नम के संवाद स्वीकार्य हैं और कई बार रोंगटे खड़े कर देते हैं। थमन का बैकग्राउंड स्कोर विशेष रूप से पहले भाग में ऊर्जावान है और कई दृश्यों को बढ़ाता है। संतोष डेटके की सिनेमेटोग्राफी शीर्ष पायदान पर है, खासकर लड़ाई के दृश्यों में। संपादन ठीक है, लेकिन बेहतर गति के लिए दूसरे भाग में कई अनावश्यक दृश्यों को काटा जा सकता था, और उत्पादन मूल्य जो है इसका बहुत ही सराहनीय है। कुल मिलाकर स्कंदा एक सामूहिक एक्शन मनोरंजक फिल्म है, जो राम पोथिनेनी का ठोस प्रदर्शन, ऊर्जावान एक्शन दृश्य और देखने लायक नृत्य पेश करती है। जबकि प्रशंसक और जनता इस हाई वोल्टेज मनोरंजक फिल्म का आनंद लेंगे, फिल्म की सरल कहानी, अतार्किक एक्शन दृश्य और सुस्त दूसरा भाग दूसरों को पसंद नहीं आएगा। यदि आप इन पहलुओं से सहमत हैं तो आप ये फिल्म निश्चित रूप से जाकर थिएटर्स में देख सकते हैं या OTT पर देख सकते हैं। बोयापति सिंह के स्कंद में बहुत कुछ चल रहा है, शायद आपको इस तथ्य से विचलित रखने के लिए कि वह आपको बदले की वही पुरानी कहानी फिर से बता रहा है। किरदारों में भरपूर पृष्ठभूमि में तेज संगीत बजते हुए यह फिल्म आपको सोचने का समय ही नहीं देती, जो कि अच्छी और बुरी दोनों बात है।
इसमें एपी सीएम रायडू अजय पुरकर और टीएस सीएम रंजीत रेड्डी शरद लोही तस्वा तब तक गहरे और पक्के दोस्त हैं जब तक कि उनके बच्चे एक साथ भागने का फैसला नहीं कर लेते। जाहिरा तौर पर करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं होने के कारण दोनों ने अपने अहंकार को यह तय करने का फैसला किया कि आगे क्या होगा। रुद्र कांति रामकृष्ण राजू एक मशहूर टाइकून है जिसने हाल ही में उन अपराधों को स्वीकार किया है जो उसने नहीं किए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी बेटी परिणीता साई मंजरेकर सुरक्षित है। हालांकि उनके दोस्त दग्गुबाती राजा के पास एक योजना है और एक छात्र राम पोथिनेनी अपनी सहपाठी श्री लीला से बार बार उलझता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे नहीं पता कि वह कौन है। यह सभी लोग कैसे रास्ते पार करते हैं इस कहानी में यह कुछ बताया गया है। किसी भी अन्य बोयापति श्रीनिवास फिल्म की तरह स्कंदा में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक है। ऐसे दृश्य जो परिवार और दोस्ती के महत्व को स्पष्ट करते हैं। ऐसी महिलाएं जिनके पास कोई एजेंसी नहीं है और वे बदला लेने और बातचीत के साधन के रूप में मौजूद हैं। गुंडों को पीटने के 10 चालाक तरीके, संवाद जो नायक की तुलना भगवान से करे, आप इसका रहस्य जानते हैं। और फिल्म का पहला भाग यहाँ वहाँ मजाकिया होने की कोशिश करता है और इंटरवल से पहले चीज़ों को गहराई से समझने में अपना अच्छा समय ले लेता है, लेकिन जिस तरह से प्री इंटरवल और क्लाइमेक्स के दृश्य चलते हैं, बोयापति इस कहानी पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में अगली कड़ी मतलब कि स्कंदा टू भी लगभग लगभग आएगी की तैयारी में अधिक रुचि रखते हैं। स्कंदा तब काम करता है जब इसे दोस्ती की कहानी के रूप में देखा जाता है। कैसे दोस्तों के दो समूहों द्वारा लिए गए निर्णय चीज़ों को गति प्रदान करते हैं। और राम को एक गाय को खींचते हुए भी देखना भी मजेदार है, जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। या श्री लीला के साथ नी चुट्टू चुट्टू या गंडारा बाई के साथ पैर हिलाना मजेदार है, लेकिन यह बहुत जल्द ही गड़बड़ा जाता है क्योंकि बबलू पृथ्वीराज और प्रिंस सेसिल से लेकर गौतमी और इंद्रजा तक सभी फ्रेम के अंदर और बाहर आते रहते हैं। वास्तव में जब चीज़ें चरम पर पहुंच जाती हैं तब सुविधाजनक होने पर स्थिति को बचाने के लिए एक और चरित्र लिया जाता है। थमन का स्कोर जो फिल्म को कुछ दृश्यों में अच्छी मदद करता है लेकिन जोरदार है मायने नहीं रखता। संवाद अनजाने में मजेदार बन जाते हैं। राम पोथिनेनी के पास एक ऐसी फिल्म है जो नई बोतल में पुरानी शराब के अलावा कुछ भी नहीं है। वह अपने किरदार में सहज दिखते हैं जिससे आपको आश्चर्य होता है कि उन्हें फिल्म में पर्याप्त स्क्रीन समय क्यों नहीं मिला। वह स्क्रीन पर अच्छे दिखते हैं और मुश्किल से ही लड़खड़ाते हैं। श्री लीला एक सपने की तरह नृत्य करती है, राम की ऊर्जा के साथ सहजता से मेल खाती है, लेकिन वह कुछ भावनात्मक दृश्यों में लड़खड़ाती है और साई मंजरेकर भी ऐसा ही करती है। बाकी कलाकार जो पेश करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। स्कंदा ऐसी फिल्म नहीं है जिससे आप तर्क की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब इसमें केवल राम और कुछ एक्शन सीक्वेंस होते हैं तो मनोरंजन के लिए बहुत कुछ भी इसमें नहीं बच पाता है। जब किसी फिल्म का निर्देशन निर्देशक बोयापति श्रीनू के द्वारा किया जाता है तो आप चेहरे पर हल्की हंसी या खुशी की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ कुछ इसी तरह की बात है। और आपने हाल ही में एक सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जहाँ एक ट्रक का कंकाल एक मोड़ पर बातचीत की प्रक्रिया में ड्राइवर और भारी भार को बाहर फेंकता हुआ आगे बढ़ता रहता है, निर्देशक बोयापति श्रीनू अज्ञात कारणों से फिलहाल उसी क्षेत्र में है। बेशक आप अखंडा की बॉक्स ऑफिस सफलता का नाम लेने से नहीं चूक सकते, लेकिन राम पोथिनेनी अपने चॉकलेट बॉय लुक के लिए जैसे भोले भाले व्यक्ति के साथ एक एक्शन एंटरटेनमेंट के साथ प्रयोग करने से कई लोगों के होश उड़ गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रंजीत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रायडू
जो कि पूर्व मित्र से प्रतिद्वंदी बने हैं, जो एक दूसरे के प्रति द्वेष विकसित करते हैं क्योंकि उनके बच्चों को प्यार हो गया। इसके बाद यह जोड़ा एक नई दुनिया की खोज के लिए भाग जाता है। इस बीच राजनीति विज्ञान का छात्र राम, जो सीरी लीला की टांग खींचता रहता है, मुख्यमंत्रियों की दो बेटियों का अपहरण कर लेता है। वह लड़कियों का अपहरण क्यों करता है? व्यवसायी रुद्र गंती रामकृष्ण राजू उन अपराधों के लिए मौत की सजा का इंतजार करते हुए जेल में क्यों सड़ रहे हैं, जो उन्होंने किया ही नहीं है? और कहानी जो है से यही बताता है। शुरुआत से ही स्कंदा स्क्रीन पर हर जगह लाल दिखाई पड़ता है। जब इसे निर्देशक बोयापति श्रीनू ने निर्देशित किया हो तो आप चेहरे पर हंसी या खुशी की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की बात है। वास्तव में आपको 2.5 घंटे से अधिक समय तक तर्क को भूलना होगा और पात्रों के साथ बैठकर देखना होगा कि आगे क्या होगा। अजीब वस्तुओं से प्रहार होने पर गुंडे उठते रहते हैं। हालांकि स्कंदा में यह आम दृश्य है। इसके बाद लयबद्ध झंकार में संवाद होते हैं और हो सकता है कि हीरो द्वारा इतनी गंभीरता से डायलॉग बोलने पर आप जोर जोर से हंसने लगे। बस यह सुनिश्चित करें कि आप हॉल में बोयापति प्रशंसकों के बीच नहीं बैठे हैं। स्कंदा एक पारंपरिक एक्शन ड्रामा है जहां आपको नायक को अपने परिवार के गौरव की प्रतिज्ञा करते और सम्मान बचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हुए देखने को मिलता है। जैसे निर्देशक ने अपनी पिछली सभी फिल्मों में गंभीर किरदारों पर व्यंग किया था, उन्होंने राम पोथिनेनी के साथ फिर से ऐसा ही किया है। नायक एक ही हथियार से 100 से अधिक हथियारबंद लोगों को मार गिराने का अभियान चलाता है और राम पोथिनेनी अपने रग्ड लुक से काफ़ी आकर्षक दिखते हैं। और आप राजनीति विज्ञान के एक छात्र से अपेक्षा करते हैं कि वह कम से कम दिखावे के मामले में समझदार हो, लेकिन वह बिल्कुल विपरीत है। भारी अवतार स्क्रीन पर एक नया राम पोथिनेनी दिखाता है। एक बिंदु पर आप भूल जाते हैं कि यह स्क्रीन पर राम पोथिनेनी है। आप काले और नीले रंग में खलनायकों को पीटते नायकों के एक्शन दृश्यों पर सीटी बजाने के लिए अनजाने में अपनी सीट से उठ भी सकते हैं। यह सब बलैया है राम पोथिनेनी। यह स्पष्ट है कि सीरी लीला को क्यों कास्ट किया गया है। वह तो फिल्म में मुख्य अभिनेत्री से ज़्यादा एक नर्तकी है। साई मंजरेकर व्यवसायी रामकृष्ण राजू की बेटी परिणीता के रूप में एक विस्तारित अतिथि भूमिका निभाती है। अधिकांश पात्र जैसे इंद्रजा और गौतमी चुप रहते हैं, जैसे कि वे सभी नाटक को प्रोत्साहन देने के बजाय एक्शन को केंद्र में रखने के लिए मौन है। स्कंदा बायोपति श्रीनू की एक नियमित और सूत्रबद्ध कथा है। यह तर्कहीन कहानी और बेतुकी कॉमेडी के साथ बड़े पैमाने पर दर्शकों में अर्थहीन अफीम पैदा करता है और गणेश विसर्जन के दौरान मौज मस्ती का दिन भी खराब कर सकता है। लोकप्रिय ट्विटर ट्रेंड के अनुसार आप वास्तव में कहे बिना कैसे कहते हैं कि आप बोयापति श्रीनू की फिल्म देख रहे हैं। राजनीति विज्ञान की कक्षा में मुख्य पुरुष नेता मुख्यमंत्री बनने की अपनी रणनीति पर चर्चा करते हुए कहता है, इयाले कोयले गट्टीगा और स्थित थोयले। उसका सहपाठी जो जीवन जीने की कला तकनीकों का अभ्यास करता है, एक समतावादी दुनिया देखने की उम्मीद करता है और राजनीति के माध्यम से और दोनों में प्यार हो जाता है। जब आप बोयापति श्रीनू फिल्म देखते हैं तो सावधान रहना सुरक्षित है। देखने के अनुभव के केवल 2 परिणाम हो सकते हैं। या तो आप सिनेमाघरों को और काल्पनिक भावनात्मक उत्साह के साथ छोड़ दें, या 15 मिनट पहले के भीतर निकास बोर्ड को घूरते रहें। कोई बीच का रास्ता नहीं है। स्कंदा निर्देशक के करियर की सबसे कम प्रभावशाली फिल्म है। दुखद बात यह है कि वह कठिन प्रयास भी नहीं करता है। फिल्म बोयापति टेम्पलेट के सभी मानकों पर खड़ी उतरती है और एक महिला खतरे में है और एक अति पुरुषवादी खलनायक बदला लेने के लिए भूखा है। संक्षेप में रोमांस कुछ व्याकुलता है, एक अंतरालीय मोड़ और उसके बाद एक मेलोड्रामेटिक फ्लैशबैक है।
नायक स्थिति को संभालता है और एक धार्मिक अनुष्ठान के कारण रक्त स्नान का अंत होता है और आप कहाँ अचानक के बिंदुओं के भली भांति परिचित होकर थिएटर जाते हैं। हाल ही में बड़े पैमाने पर फिल्मों द्वारा निर्धारित निम्न मानकों के बावजूद भी यह कहानी हास्यास्पद है। तेलुगु राज्यों के दो अहंकारी मुख्यमंत्री एक विश्वसनीय उद्यमी के परिवार से के पीछे है जो काले धन को सफेद करने के उनके प्रयासों में सहयोग करने से इनकार कर देता है। नायक पूर्व मुख्यमंत्री का भतीजा उसकी बेटियों का अपहरण कर लेता है और उसके बाद सीएम को सबक सिखाने की कोशिश करता है और उनमें से एक के साथ प्यार में पड़ जाता है। स्कंदा की सबसे बड़ी कमजोरी एक मौजूदा मजबूत भावनात्मक कोर की अनुपस्थिति है। नायक के बदला लेने के पीछे का मकसद कम समझ में आता है। टकराव रन टाइम को बढ़ावा देने का एक बहाना है। विडम्बना यह है कि तेलुगु राज्यों के मुख्यमंत्री ऊंची आवाज में चिल्लाते रहते हैं और सड़क के गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं। वे एक शक्तिशाली युवा की दवा पर निर्भर है जो कथित तौर पर सभी बाधाओं का पालन करते हैं। पहले घंटे की बेतुकीता के बावजूद बोयापति ने कथा को कई घटनाओं से भर दिया है और दर्शकों को सोचने के लिए ज्यादा जगह नहीं दी है। मध्यांतर के बाद सारी उथल पुछल मच जाती है। फूला हुआ साबुन वाला मेलो ड्रामा और 70 के दशक की शैली की दुश्मनी लगातार आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। इस बार नायकों के आयु वर्ग को देखते हुए निर्देशक के पुराने विचार और भी खराब लगते हैं। व्यापक प्रहारों को सहन करना कठिन है। रामकृष्ण राजू एक उद्यमी को समाज के उद्धारकर्ता के रूप में सम्मानित किया जाता है। बड़े दिल वाला नायक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट है जो अपने माता पिता की देखभाल के लिए अपने गाँव लौटता है। पुलिस भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री नासमझ है। हमेशा की तरह बोयापति के ब्रह्मांड में कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। सिर ऐसे उड़ते रहते हैं मानो खिलौने हो, खून पानी की तरह बहता है। अब आप बोयापति शैली की सामूहिक फिल्म के प्रगतिशील होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह दुखद है कि फिल्म निर्माता समय का जायजा लेने से इनकार कर देता है। महिलाओं को परिवार के सम्मान के रूप में देखा जाता है जिन्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। पुरुषों का विशाल अहंकार, अंततः निर्णय लेने वाले और संरक्षण। कोई अच्छी खबर है, फिल्म के भीतर स्कंदा 2 की घोषणा है, लेकिन इसके पूरा होने की संभावना नहीं है। और यह निराशाजनक है कि राम पृथ्वीनैनी जैसी क्षमता वाला कोई व्यक्ति अपनी स्क्रिप्ट के चयन में बार बार गलतियां करता है। सी लीला की उपस्थिति, जो कि मामूली उपस्थिति है, गानों के दौरान सबसे अच्छी तरह महसूस की जाती है। वह अनजाने हास्य कलाकार है। यह आश्चर्यजनक रूप से श्रीकांत है जो अधिक नपे तुले दिखते हैं और कई बार डेसिबल के स्तर को नियंत्रित रखते हैं। राजा दुग्गुबाती ऑन स्क्रीन पिता कम और राम पृथ्वीनैनी के पीआर अधिक हैं। शरत लोहित तस्व एक बार फिर व्यंगात्मक खलनायक बनकर रह गए हैं और प्रिंस सेसिल की छवि में बदलाव की कोशिश सफल नहीं हो पाई है। अनुभवी कलाकार इंद्रजा गौतमी पृष्ठभूमि में फर्नीचर के एक टुकड़े की तरह दिखाई देते हैं। थमन के औसत दर्जे के एल्बम में नी चुट्टू चुट्टू और गंडरा बाई सबसे अच्छे हैं, जबकि बैकग्राउंड स्कोर भी अकल्पनीय है। स्कंदा एक ऐसी फिल्म है जो बोयापति की पिछली फिल्म विनय विद्याराम को भी असीम रूप से बेहतर बनाती। यहाँ कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह फिल्म निर्माता के लिए काम का एक बुरा दिन है। राम पृथ्वीनैनी की लिस्ट चयन की समस्याएं जारी है और संगीतकार थमन, जो एक्शन मनोरंजन के शौकीन है, बड़े अंतर से वो चूक जाते हैं। बोयापति सीनू की फिल्मों में भौतिकी की कमियाँ। उनकी हालिया रिलीज स्कंदा में राजनीति विज्ञान कक्षा की आश्चर्यजनक उपस्थिति। मेरा मतलब है, एक बार के लिए बीटेक कक्षा नहीं देखना अच्छा है, से बिल्कुल ही परे है। यह भूगोल और समाजशास्त्र के प्रति निर्देशक का निरंतर जुनून है। यह अधिक विश्लेषण की मांग करता है। यह निश्चित है कि इसमें कई बारीकियाँ नहीं है, लेकिन यह बारीकियों की कमी है, या यूं कहे कि राजनीतिक शुद्धता के प्रतीक निर्भीक उदासीनता है, जो एक मनोरंजक विडम्बनापूर्ण स्वागत का कारण बनती है।
झांसी के तेलंगाना उच्चारण नए पैसे बुयापति की तुलसी में कोका पेट चाची या सराय नोरू में विद्यू रमन द्वारा निभाई गई सांभर गजलिंग संभावित रूप से निंदनीय तमीज सेल्वी के बारे में सोचे। वे बहुत भड़कीले लेकिन मनोरंजक थे। हमने उनके पात्रों के द्वारा प्रस्तुत आक्रोश का विश्लेषण किया है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में क्रूर तरीके से संसाधित मजाक के साथ। स्कंद को काटकर ऐसा महसूस होता है कि निर्देशक ने कुछ मायनों में उस रूढ़िवादिता को पार कर लिया है। आखिरकार जब हमें फिल्म की शुरुआत में दो प्रमुख पात्रों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से परिचित कराया जाता है तो वे पूरी तरह से भिन्न नहीं होते हैं। दोनों अपराध में धनी भागीदार हैं और उनके रास्ते में आने वाले लोगों को मारने की समान प्रवृत्ति रखते हैं। उनके दोस्त बनने के कारण उतने ही स्वाभाविक लगते हैं जितने कि वे दुश्मन बन जाते हैं, और ऐसा लगता है कि दोनों को इस बात का एहसास भी है। एक बिंदु पर फिल्म अनंतपुर को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में भी प्रदर्शित करती है। एक पूरी तरह से अलग स्पर्श रेखा में ये दो विवरण मुख्यमंत्री और राज्य की राजधानी का हल्का संशोधनवादी विचार। मेरी इच्छा है कि बुयापति श्रीनु राजनीति पर अपने विचारों के बारे में बात करने के लिए जो रोगन शैली पॉडकास्ट पर उपस्थित हों, सटीक होने के लिए तेलुगु राज्यों का विभाजन। हालांकि फिल्म के बाकी हिस्सों ने इसके अभिनेताओं को बहुत कुछ नहीं दिया, इसे देखने वाले दर्शकों की तो बातें ही बिल्कुल छोड़ दें। जब आप फिल्म के पहले 5 मिनट में एक जोड़े को हेलीकॉप्टर में भागते हुए देखते हैं तो स्कंदा का बोयावाद तुरंत सामने आ जाता है। श्रेय जहां उचित है, पहले भाग में एक कहानी की झलक मिलती है। मातृ शोका गुड़िया की तरह सामने आने वाले फ्लैश बैक के भीतर कथात्मक गलत दिशा निर्देशों और फ्लैश बैक की एक श्रृंखला में हमें राम के चरित्र से परिचित कराया जाता है। उनके और श्री लीला के चरित्र के बीच एक चंचल खिंचाव है जो मनमोहक से अधिक कष्टप्रद है, लेकिन इससे पहले की शिकायत अपनी तीव्रता बढ़ाती हमें नायिका को पृष्ठभूमि में धकेलने से पहले कुछ मजेदार नृत्य दृश्य सौंप जाते हैं। नृत्य एक ऐसी फिल्म के रेगिस्तान में एक स्वागत योग्य नकलिस्तान है जिसमें कोई रचनात्मक पानी नहीं है, यहाँ तक कि कमजोर संगीत स्कोर के साथ भी। एक और नायिका साई मंजरेकर है जो श्रीलीला जितनी ही मोहरा है। हमें इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है कि चीज़ों की बड़ी योजना में ये पात्र कहाँ है। स्कंदा का दूसरा भाग जहाँ कथानक धीरे धीरे सुलझता है, दर्शकों के धैर्य की परीक्षा लेता है, फिर फिल्म का बाकी हिस्सा इतना अधिक भुगतान करने वाला नहीं है जितना कि यह एक टर्न ऑफ है। कई कारण है कि क्यों स्कंदा उतनी सशक्त मसाला मनोरंजक फिल्म नहीं बनी जितनी वह हो सकती थी। फिल्म के एक एक्शन दृश्यों की गति और ऊर्जा प्राथमिक दोषी है। फिल्म की शुरुआत में राम एक पंक्ति कहते हैं कि उन्हें केवल ध्यान और उत्थान की आवश्यकता है, लेकिन घमंड के ये जुड़वा अवगुण फिल्म के सबसे बड़े दुश्मन साबित होते हैं। अभिनेता को उसके सबसे वीरतापूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश में फिल्म स्लो मोशन शॉट्स का तब तक दुरुपयोग करती है जब तक कि वे अपना प्रभाव नहीं खोते थे। एक या दो घटनाएं हैं, जैसे जब राम अपने पिता को निशाना बनाकर भाला पकड़ता है, या जब वह तीर चलाने के लिए दो खलनायकों की भुजाओं को धनुष के रूप में उपयोग करता है, लेकिन अधिकांश भाग में कार्रवाई सबसे कमजोर होती है। मोनोलॉग थकान पैदा करने वाले भी होते हैं। नायक के पिता के द्वारा उसकी संतान की महानता के गीत गाना एक बात है, लेकिन खलनायक से बिल्कुल वही काम करवाना हो सकता है कि इसने बालकृष्ण जैसे किसी व्यक्ति के साथ काम किया हो जिसके पास निर्माण को प्रमाणित करने के लिए दशकों की स्टार पावर है। राम को अपनी सारी प्रतिभा और बचकाने आकर्षण के बावजूद एक विनम्र शुरुआत वाला किरदार निभाना चाहिए था जो धीरे धीरे एक नायक बन जाता है।
आमतौर पर बोयापति फिल्म में महिलाओं का इतना कम महत्व होता है कि बोयापति की फिल्मों में महिलाओं के अस्तित्व के लिए बेच जल परीक्षण के अपने संस्करण की आवश्यकता होती है। केवल नायक के संबंध में उनके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए बोया परीक्षण यदि आप कर सकते हैं। हालांकि स्कंदा की महिलाएं बोयापति की पिछली फिल्मों की महिलाओं से काफ़ी अलग महसूस करती है। एक महिला है जो एक तय विवाह के व्रत से बच निकलती है जिसने उसे बेड़ियों में जकड़ दिया होता। एक महिला सीईओ है, ऐसी महिलाएं हैं जो झूठ बोलती हैं, जो महिलाएं खुलेआम फ्लर्ट करती है। इस मिशन में एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ भी है। आप जो चाहे कहें, बोयापति छोटे छोटे कदम उठा रहा है। हो सकता है कि स्कंदा सिम्हा के बाद से इस्तेमाल किए जा रहे फार्मूला की आखिरी फिल्म हो। फिल्म और इसकी अनगिनत निराशाओं के बावजूद जब मैंने पोस्ट के दृश्य देखा तो मैंने खुद को मुस्कुराते हुए पाया। यह एक मेकिंग ऑफ मेंटोज है जिससे बोयापति के सभी प्रशंसक परिचित हैं, जिसे हमें से बहुत से लोग मार्वल पोस्ट क्रेडिट दृश्य की तुलना में अधिक उत्साह के साथ देखते हैं। बोयापति एक ऐसे व्यक्ति है जो वास्तव में अपनी अनूठी आनंदमय भी लगा। दोस्तों, यह है बायोपति बोयापति सिन्हू के द्वारा निर्देशित और जी स्टूडियो के सहयोग से श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन के तहत श्रीनिवास चित्तूरी द्वारा निर्मित फिल्म है। और इस फिल्म के कलाकार की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से श्रीलीला, साई मंजरेकर, श्रीकांत, शरत लोहित तस्वा, अजय पुरकर, दग्गुबाती राजा और प्रिंस सेसिल के साथ मुख्य रूप से रामपोथी नेनी, जो कि ये इसमें डबल रोल अपनी इसमें उन्होंने निभाया है। संवाद जो है एल रत्नम का है और ये रिटेन जो है, मतलब कि इस फिल्म को जो लिखा गया है वो बोयापति सिन्हू के द्वारा ही लिखा गया है और निर्देशन भी बोयापति सिन्हू के द्वारा किया गया है। और इसकी जो उत्पादन कंपनियां श्रीनिवास चित्तूरी और पवन कुमार ने इसको इसके प्रोड्यूसर है और छायांकन संतोष जीटेके ने किया है और थम्मी राजू ने इसको संपादित किया है और संगीत दिया है इस थम्मन ने। जी हाँ दोस्तों, तो अभी साउथ की जितनी भी सारी मूवी आ रही हैं सब में संगीत जो है इस थम्मन ही दे रहे हैं, क्योंकि इस थम्मन जो म्यूजिक दे रहे हैं वो फिल्म तो निश्चित रूप से हिट हो ही जा रही है। और तो खासकर उनका बैकग्राउंड स्कोर जो है वो भी बहुत धमाकेदार होता है, जो कि सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इस फिल्म की रिलीज की बात की जाए तो 28 सितंबर 2023 को इस फिल्म को रिलीज कर दी गई थी और कुल मिलाकर इससे फिल्म की जो समय है वो 167 मिनट है और मुख्य रूप से ये तेलुगु भाषा में ही रिलीज की गई थी। और इसके बजट की बात किया जाए तो इस फिल्म का टोटल बजट जो है वो 50 करोड़ रुपए के बजट में इस फिल्म को बनाया गया। और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बातें करें तो लगभग 60 करोड़ रुपए अपने हिंदुस्तान में इसने कमाया है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा तो फरवरी 2022 में ही अस्थायी शीर्षक बोयापति रापो के तहत की गई थी, जबकि आधिकारिक शीर्षक स्कंदा की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी जो है वो अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो गई थी और अगस्त 2023 में समाप्त हुई थी। और सारी चीज़ों को मैं दोस्तों बता रहा हूँ, मतलब कि प्री प्रोडक्शन के बारे में बातें हम लोग कर लेंगे और पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में बातें कर लेंगे। प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, संगीत इसका जो है सो थमन एस के द्वारा रचित है, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः संतोष डेटेक और तम्मी राजू द्वारा संभाला गया था। स्कंदा को 28 सितंबर 2023 को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था और इसकी कहानी, राजनीतिक व्यंग, निर्देशन, मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और एक्शन स्टंट के लिए इसकी भारी आलोचना की गई थी। फिल्म ने लगभग 50 करोड़ के बजट के मुकाबले 60 करोड़ रुपए की इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। और इसके कथानक पर थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं, इसकी थोड़ी सी स्टोरी पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी रिव्यू करेंगे कि इसमें मुख्य रूप से फिल्मों में क्या कमी रह गई, क्या इसका निगेटिव पॉइंट, क्या पॉजिटिव पॉइंट, सारी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसकी जो कहानी का सारांश जो है वो है, रायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो अपनी बेटी की शादी चिनप्पा से कराते हैं।
और शादी के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रंजीत रेड्डी का बेटा एक अतिथि के रूप में विवाह स्थल पर आता है और रायडू की बेटी के साथ भाग जाता है। इससे रंजीत रेड्डी और रायडू क्रोधित हो जाते हैं, जहां वे एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। और इसी बीच पुरुष नायक एक कॉलेज छात्र है जो रायडू की बेटी और रंजीत रेड्डी की बेटी, लेकिन महिला नायक जो पुरुष नायक की सहपाठी भी होती है, का अपहरण कर देता है और उन्हें रुद्र राजू पूरम में अपने गृह नगर ले जाता है। और यह पता चलता है कि अपहरण क्राउन ग्रुप के कंपनी के सीईओ द्वारा रुद्र क्रांति रामकृष्ण राजू से जुड़े हुए हैं, जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं। और रंजीत रेड्डी और रायडू ने अपने अवैध धन को वैध बनाने से इनकार करने के कारण उन्हें गलत तरीके से कैद कर लिया था। और यह भी पता चलता है कि रामकृष्ण ने राजू नायक के पिता मणिकांत राजू के सबसे अच्छे दोस्त हैं। नायक रामकृष्ण राजू की बेगुनाही साबित करना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी रुद्रगंती परिणीता को बचाने के लिए दोष लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसे रंजीत और राजू के लोगों ने बंदी बना लिया था। और बिना किसी विकल्प के रंजीत और रायडू ने रामकृष्ण राजू को जेल से छुड़ा लेता है। इसके बाद दोनों एक मंदिर उत्सव में नायक और उसके परिवार पर हमला करते हैं, लेकिन नायक के हमशक्ल द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। आखिरकार रंजीत और रायडू ने मीडिया के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया, जब रामकृष्ण राजू ने नायक के हमशक्ल के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह मोरक्को का एक कुख्यात हत्यारा है, जो डैनियल नामक मोरक्को स्थित शक्तिशाली अपराध मालिक की मौत के लिए जिम्मेदार है। और इस उसके इतिहास के बारे में जानने के बाद रायडू और रंजीत रेड्डी उससे भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हमशक्ल दूर चला जाता है और यह दर्शाता है कि उसका अतीत स्कंदा 2 नामक अगली कड़ी में निश्चित रूप से सामने आएगा। मतलब कि इसके निर्देशक इस कहानी को वहां तक छोड़ देते हैं, जिसके बाद स्कंदा 2 भी एक सिक्वल के रूप में दर्शकों के सामने फिर से लाया जा सके। दोस्तों, इस फिल्म के कलाकार में जो है मुख्य रूप से राम पोथी नैनी, जो कि डबल भूमिका में वो काम कर रहे हैं, और श्री लीला भी है जो कि रंजीत रेड्डी की बेटी के रूप में उन्होंने काम किया है। रुद्र क्रांति परिणीता है जो कि साई मंजरेकर, अम्मुल्लू के रूप में साई मंजरेकर है। रुद्र क्रांति रामकृष्ण राजू की बेटी और हमशक्ल की प्रेमिका है। श्रीकांत रुद्र क्रांति रामकृष्ण राजू के रूप में है। और शरत लोहित सस्वा रंजीत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री और मेजर नायक के पिता के रूप में है। संजय रेड्डी के रूप में प्रिंस सेसिल ने काम किया है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रायडू के रूप में अजय पुरकर ने इसमें काम किया है। दोस्तों, इसके पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में कुछ चर्चा हो जाए। 18 फरवरी 2022 को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा की, जो बोयापति सिन्हू के द्वारा निर्देशित है और इसमें राम पोथी नैनी मुख्य भूमिका में होंगे। ये आपको पहले से ही चर्चा थी और इसे अस्थायी तौर पर बोयापति रापो नाम दिया गया था। और 1 जून 2022 को हैदराबाद में एक मुहूर्तम पूजा आयोजित की गई थी और 5 अक्टूबर 2022 को श्री लीला को पहली बार राम पोथी नैनी के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। और 3 जुलाई 2023 को एक झलक जारी की गई, जिसमें स्कंदा शीर्षक का पता चला था। और इसके फिल्मांकन की बात करें तो मुख्य रूप से मुख्य फोटोग्राफी 6 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी और दूसरा शेड्यूल नवंबर में शुरू हुआ और इसमें एक एक्शन सीक्वेंस शामिल था। और तीसरा शेड्यूल जनवरी 2023 में शुरू हुआ था और शेड्यूल में पोथी नैनी और श्रीलीला का एक दृश्य भी उसमें शामिल था। और इसके साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की बातें करें तो
इस थमग के द्वारा इसको तैयार किया गया है जो कांदी रेगा मसाला और पांडागा चिस्को के बाद पोथीन यानी के साथ अपने ये चौथे फिल्म में साथ में है। सराय नोडू और अखंड के बाद बुयापति श्रीनु के साथ ये तीसरा सहयोग है और पहला एकल नी चुट्टू चुट्टू 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था और दूसरा एकल शीर्षक गंदराबाई 18 अगस्त 2023 को जारी किया गया था और तीसरा एकल शीर्षक दुमरे दुमा 30 अगस्त 2023 को जारी किया गया था और चौथा जो गाना था वो कट मामा 18 सितंबर 2023 को जारी कर दिया गया था। और इसको रिलीज की बात करें तो स्कंदा को पहले 20 अक्टूबर 2023 को तेलुगु में, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डब संस्करणों के साथ रिलीज किया जाना था लेकिन इसे 28 सितंबर 2023 तक फिर से इसे बढ़ा दिया गया। इस फिल्म के लिए राम पुथिनेनी का प्रभावशाली परिवर्तन उल्लेखनीय है। उनका बिस्ट मूड खासकर जब वह एक्शन दृश्यों में दुश्मनों को मार गिराता है बिल्कुल ही असाधारण है। उनकी सामूहिक उपस्थिति के अलावा उनकी अद्भुत संवाद अदायगी दृश्यों में और अधिक वजन जोड़ देती है। एक नायिका के रूप में श्रीलीला बहुत ही कम प्रभावशाली इसमें बन पड़ी है लेकिन वह अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। अपनी शानदार सुंदरता और नृत्य चाल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। श्रीकांत को एक अच्छी भूमिका मिलती है और भले ही स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति कम है लेकिन पूरा शो उनके इर्द गिर्द ही घूमता है। दग्गू बाकी राजू ने भी अच्छी भूमिका निभाई है और सबसे खास बात कि एस थमन अपने उत्कृष्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए सराहना के पात्र हैं जो कई दृश्यों को बेहतर बनाता है। और इसके नकारात्मक अंक जो हैं वो ये है कि जादू का आनंद लेने के लिए तर्क को बिल्कुल ही भूल जाइए और यह उदाहरण बुयापति श्रीनु की हाल की फिल्मों पर बिल्कुल ही लागू होता है खासकर इस फिल्म में लड़ाई के दृश्यों पर। इस दृष्टि से स्कंदा भी अपवाद नहीं है। हालांकि झगड़े आनंददायक होते हैं और दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं फिर भी ऐसे क्षण आ सकते हैं जब वे सवाल करते हैं कि यह कैसे संभव है। कहानी ज़्यादातर कुछ भी नया नहीं पेश करती है जो एक ऐसा पहलू है जिस पर बुयापति श्रीनु को अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिल्म की शुरुआत दिलचस्प होती है लेकिन जल्द ही यह अपनी गति खो देती है और दूसरे भाग में इसकी गति धीमी बनी रहती है। दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाले सामूहिक संवाद तैयार करने और प्रशंसकों को सीटियां बजाने पर मजबूर करने वाले सामूहिक झगड़ों का निर्देशन करने के अलावा उन्हें कथानक पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है जो आकर्षक होना चाहिए। गाने और उसका प्लेसमेंट बिल्कुल सही नहीं है, मतलब कि दृश्य कहीं और चल रहा है, गाना कुछ और ठूस दिया गया, ये बिल्कुल ही उस फिल्म के लिए सटीक नहीं बैठता है। एक दो गानों को छोड़कर बाकी सब भूलने योग्य है क्योंकि वो कर्णप्रिय नहीं है। फिल्म में इंद्रजा, गौतमी और अन्य जैसे कई पात्रों का परिचय दिया गया है जिनका कथानक में योगदान करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। निर्देशक को उन्हें अधिक गुंजाइश देनी चाहिए थी कम से कम कुछ संवाद बोलने के लिए। दूसरे भाग में भावनात्मक हिस्सा अच्छा है लेकिन उत्कृष्ट नहीं है, इसमें सुधार किया जा सकता था। कुछ संवाद राजनीतिक दलों को लक्षित करते हैं लेकिन ये बड़े पैमाने पर दर्शकों के साथ अधिक गूंज सकते हैं खासकर बी और सी केंद्रों में। बुयापति श्रीनु एक बड़े पैमाने पर मनोरंजन के साथ लौट रहे हैं जो भावनाओं से अधिक एक्शन की ओर झुकता है। एम रत्नम के संवाद स्वीकार्य हैं और कई बार रोंगटे खड़े कर देते हैं। थमन का बैगन स्कोर विशेष रूप से पहले भाग में ऊर्जावान है और कई दृश्यों को बढ़ाता है। संतोष डेटके की सिनेमेटोग्राफी शीर्ष पायदान पर है खासकर लड़ाई के दृश्यों में। संपादन ठीक है लेकिन बेहतर गति के लिए दूसरे भाग में कई अनावश्यक दृश्यों को काटा जा सकता था और उत्पादन मूल्य जो है इसका बहुत ही सराहनीय है। कुल मिलाकर स्कंदा एक सामूहिक एक्शन मनोरंजक फिल्म है जो राम पोथिनेनी का ठोस प्रदर्शन, ऊर्जावान एक्शन दृश्य और देखने लायक नृत्य पेश करती है। जबकि प्रशंसक और जनता इस हाई वोल्टेज मनोरंजक फिल्म का आनंद लेंगे, फिल्म की सरल कहानी, अतार्किक एक्शन दृश्य और सुस्त दूसरा भाग दूसरों को पसंद नहीं आएगा। यदि आप इन पहलुओं से सहमत हैं
तो आप ये फिल्म निश्चित रूप से जाकर थिएटर्स में देख सकते हैं या ओटीटी पर देख सकते हैं। बोयापति सिंह के स्कंद में बहुत कुछ चल रहा है, शायद आपको इस तथ्य से विचलित रखने के लिए कि वह आपको बदले की वही पुरानी कहानी फिर से बता रहा है। किरदारों में भरपूर पृष्ठभूमि में तेज संगीत बजते हुए यह फिल्म आपको सोचने का समय ही नहीं देती, जो कि अच्छी और बुरी दोनों बात है। इसमें एपी सीएम रायडू, अजय पुरकर और टीएस सीएम रंजीत रेड्डी, शरद लोही तस्वा तब तक गहरे और पक्के दोस्त हैं जब तक कि उनके बच्चे एक साथ भागने का फैसला नहीं कर लेते। जाहिरा तौर पर करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं होने के कारण दोनों ने अपने अहंकार को यह तय करने का फैसला किया कि आगे क्या होगा। रुद्रकांति रामकृष्ण राजू एक मशहूर टाइकून है जिसने हाल ही में उन अपराधों को स्वीकार किया है जो उसने नहीं किए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी बेटी परिणीता साई मंजरेकर सुरक्षित है। हालांकि उनके दोस्त दग्गुबाती राजा के पास एक योजना है और एक छात्र राम पुथिनेनी अपनी सहपाठी श्री लीला से बार बार उलझता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे नहीं पता कि वह कौन है। यह सभी लोग कैसे रास्ते पार करते हैं इस कहानी में यह कुछ बताया गया है। किसी भी अन्य बोयापति श्रीनिवास फिल्म की तरह स्कंदा में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक है। ऐसे दृश्य जो परिवार और दोस्ती के महत्व को स्पष्ट करते हैं, ऐसी महिलाएं जिनके पास कोई एजेंसी नहीं है और वे बदला लेने और बातचीत के साधन के रूप में मौजूद है। गुंडों को पीटने के 10 चालाक तरीके, संवाद जो नायक की तुलना भगवान से करे, आप इसका रहस्य जानते हैं। और फिल्म का पहला भाग यहाँ वहाँ मजाकिया होने की कोशिश करता है और इंटरवल से पहले चीज़ों को गहराई से समझने में अपना अच्छा समय ले लेता है, लेकिन जिस तरह से प्री इंटरवल और क्लाइमेक्स के दृश्य चलते हैं, बोयापति इस कहानी पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में अगली कड़ी मतलब कि स्कंदा टू भी लगभग लगभग आएगी ही की तैयारी में अधिक रुचि रखते हैं। स्कंदा तब काम करता है जब इसे दोस्ती की कहानी के रूप में देखा जाता है। कैसे दोस्तों के दो समूहों द्वारा लिए गए निर्णय चीज़ों को गति प्रदान करते हैं, और राम को एक गाय को खींचते हुए भी देखना भी मज़ेदार है, जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, या श्री लीला के साथ नी चुट्टू चुट्टू या गंडारा बाई के साथ पैर हिलाना मज़ेदार है। लेकिन यह बहुत जल्द ही गड़बड़ा जाता है क्योंकि बबलू पृथ्वीराज और प्रिंस सेसिल से लेकर गौतमी और इंद्रजा तक सभी फ्रेम के अंदर और बाहर आते रहते हैं। वास्तव में जब चीज़ें चरम पर पहुंच जाती हैं तब सुविधाजनक होने पर स्थिति को बचाने के लिए एक और चरित्र लिया जाता है। थमन का स्कोर जो फिल्म को कुछ दृश्यों में अच्छी मदद करता है लेकिन जोरदार है मायने नहीं रखता, संवाद अनजाने में मजेदार बन जाते हैं। राम पोथिनेनी के पास एक ऐसी फिल्म है जो नई बोतल में पुरानी शराब के अलावा कुछ भी नहीं है। वह अपने किरदार में सहज दिखते हैं जिससे आपको आश्चर्य होता है कि उन्हें फिल्म में पर्याप्त स्क्रीन समय क्यों नहीं मिला। वह स्क्रीन पर अच्छे दिखते हैं और मुश्किल से ही लड़खड़ाते हैं। श्री लीला एक सपने की तरह नृत्य करती है, राम की ऊर्जा के साथ सहजता से मेल खाती है, लेकिन वह कुछ भावनात्मक दृश्यों में लड़खड़ाती है और साई मंजरेकर भी ऐसा ही करती है। बाकी कलाकार जो पेश करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। स्कंदा ऐसी फिल्म नहीं है जिससे आप तर्क की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब इसमें केवल राम और कुछ एक्शन सीक्वेंस होते हैं तो मनोरंजन के लिए बहुत कुछ भी इसमें नहीं बच पाता है। जब किसी फिल्म का निर्देशन निर्देशक बोयापति सिंह के द्वारा किया जाता है तो आप चेहरे पर हल्की हंसी या खुशी की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ कुछ इसी तरह की बात है। और आपने हाल ही में एक सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जहाँ एक ट्रक का कंकाल एक मोड़ पर बातचीत की प्रक्रिया में ड्राइवर और भारी भार को बाहर फेंकता हुआ आगे बढ़ता रहता है,
निर्देशक बोयापति सिंह अज्ञात कारणों से फिलहाल उसी क्षेत्र में है। बेशक आप अखंडा की बॉक्स ऑफिस सफलता का नाम लेने से नहीं चूक सकते, लेकिन राम पुथिनेनी अपने चॉकलेट बॉय लुक के लिए जैसे भोले भाले व्यक्ति के साथ एक एक्शन एंटरटेनमेंट के साथ प्रयोग करने से कई लोगों के होश उड़ गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रंजीत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रायडू, जो कि पूर्व मित्र से प्रतिद्वंदी बने हैं, जो एक दूसरे के प्रति द्वेष विकसित करते हैं क्योंकि उनके बच्चों को प्यार हो गया, इसके बाद यह जोड़ा एक नई दुनिया की खोज के लिए भाग जाता है। इस बीच राजनीति विज्ञान का छात्र राम, जो सीरी लीला की टांग खींचता रहता है, मुख्यमंत्रियों की दो बेटियों का अपहरण कर लेता है। वह लड़कियों का अपहरण क्यों करता है? व्यवसायी रुद्र गंती रामकृष्ण राजू उन अपराधों के लिए मौत की सजा का इंतजार करते हुए जेल में क्यों सड़ रहे हैं, जो उन्होंने किया ही नहीं है? और कहानी जो है से यही बताता है। शुरुआत से ही स्कंदा स्क्रीन पर हर जगह लाल दिखाई पड़ता है। जब इसे निर्देशक बोयापति सिंह ने निर्देशित किया हो तो आप चेहरे पर हंसी या खुशी की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की बात है, वास्तव में आपको 2.5 घंटे से अधिक समय तक तर्क को भूलना होगा और पात्रों के साथ बैठकर देखना होगा कि आगे क्या होगा। अजीब वस्तुओं से प्रहार होने पर गुंडे उठते रहते हैं, हालांकि स्कंदा में यह आम दृश्य है। इसके बाद लयबद्ध झंकार में संवाद होते हैं और हो सकता है कि हीरो द्वारा इतनी गंभीरता से डायलॉग बोलने पर आप जोर जोर से हंसने लगे। बस यह सुनिश्चित करें कि आप हॉल में बोयापति प्रशंसकों के बीच नहीं बैठे हैं। स्कंदा एक पारंपरिक एक्शन ड्रामा है जहां आपको नायक को अपने परिवार के गौरव की प्रतिज्ञा करते और सम्मान बचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हुए देखने को मिलता है। जैसे निर्देशक ने अपनी पिछली सभी फिल्मों में गंभीर किरदारों पर व्यंग किया था, उन्होंने राम पोथिनेनी के साथ फिर से ऐसा ही किया है। नायक एक ही हथियार से 100 से अधिक हथियारबंद लोगों को मार गिराने का अभियान चलाता है और राम पोथिनेनी अपने रग्ड लुक से काफ़ी आकर्षक दिखते हैं। और आप राजनीति विज्ञान के एक छात्र से अपेक्षा करते हैं कि वह कम से कम दिखावे के मामले में समझदार हो, लेकिन वह बिल्कुल विपरीत है। भारी अवतार स्क्रीन पर एक नया राम पोथिनेनी दिखाता है। एक बिंदु पर आप भूल जाते हैं कि यह स्क्रीन पर राम पोथिनेनी है। आप काले और नीले रंग में खलनायकों को पीटते नायकों के एक्शन दृश्यों पर सीटी बजाने के लिए अनजाने में अपनी सीट से उठ भी सकते हैं। यह सब बलैया है राम पोथिनेनी। यह स्पष्ट है कि सीरी लीला को क्यों कास्ट किया गया है। वह तो फिल्म में मुख्य अभिनेत्री से ज़्यादा एक नर्तकी है। साई मंजरेकर व्यवसायी रामकृष्ण राजू की बेटी परिणीता के रूप में एक विस्तारित अतिथि भूमिका निभाती है। अधिकांश पात्र जैसे इंद्रजा और गौतमी चुप रहते हैं, जैसे कि वे सभी नाटक को प्रोत्साहन देने के बजाय एक्शन को केंद्र में रखने के लिए मौन है। स्कंदा बायोपति श्री नुकी एक नियमित और सूत्रबद्ध कथा है। यह तर्कहीन कहानी और बेतुकी कॉमेडी के साथ बड़े पैमाने पर दर्शकों में अर्थहीन अफीम पैदा करता है और गणेश विसर्जन के दौरान मौज मस्ती का दिन भी खराब कर सकता है। लोकप्रिय ट्विटर ट्रेंड के अनुसार आप वास्तव में कहे बिना कैसे कहते हैं कि आप बोयापति सिंह की फिल्म देख रहे हैं। राजनीति विज्ञान की कक्षा में मुख्य पुरुष नेता मुख्यमंत्री बनने की अपनी रणनीति पर चर्चा करते हुए कहता है, इयाले कोयले गट्टीगा और स्थे थोयले। उसका सहपाठी जो जीवन जीने की कला तकनीकों का अभ्यास करता है, एक समतावादी दुनिया देखने की उम्मीद करता है और राजनीति के माध्यम से और दोनों में प्यार हो जाता है। जब आप बोयापति सिंह फिल्म देखते हैं तो सावधान रहना सुरक्षित है। देखने के अनुभव के केवल 2 परिणाम हो सकते हैं, या तो आप सिनेमाघरों को और काल्पनिक भावनात्मक उत्साह के साथ छोड़ दें, या 15 मिनट पहले के भीतर निकास बोर्ड को घूरते रहें।
कोई बीच का रास्ता नहीं है। स्कंदा निर्देशक के करियर की सबसे कम प्रभावशाली फिल्म है। दुखद बात यह है कि वह कठिन प्रयास भी नहीं करता है। फिल्म बोयापति टेम्पलेट के सभी मानकों पर खरी उतरती है और एक महिला खतरे में है और एक अति पुरुषवादी खलनायक बदला लेने के लिए भूखा है। संक्षेप में रोमांस कुछ व्याकुलता है, एक अंतरालीय मोड़ और उसके बाद एक मेलोड्रामेटिक फ्लैशबैक है। नायक स्थिति को संभालता है और एक धार्मिक अनुष्ठान के कारण रक्त स्नान का अंत होता है और आप कहाँ अचानक के बिंदुओं के भली भांति परिचित होकर थिएटर जाते हैं। हाल ही में बड़े पैमाने पर फिल्मों द्वारा निर्धारित निम्न मानकों के बावजूद भी यह कहानी हास्यास्पद है। तेलुगु राज्यों के दो अहंकारी मुख्यमंत्री एक विश्वसनीय उद्यमी के परिवार से के पीछे है जो काले धन को सफेद करने के उनके प्रयासों में सहयोग करने से इनकार कर देता है। नायक पूर्व मुख्यमंत्री का भतीजा उसकी बेटियों का अपहरण कर लेता है और उसके बाद सीएम को सबक सिखाने की कोशिश करता है और उनमें से एक के साथ प्यार में पड़ जाता है। स्कंदा की सबसे बड़ी कमजोरी एक मौजूदा मजबूत भावनात्मक कोर की अनुपस्थिति है। नायक के बदला लेने के पीछे का मकसद कम समझ में आता है। टकराव रन टाइम को बढ़ावा देने का एक बहाना है। विडम्बना यह है कि तेलुगु राज्यों के मुख्यमंत्री ऊंची आवाज में चिल्लाते रहते हैं और सड़क के गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं। वे एक शक्तिशाली युवा की दवा पर निर्भर है जो कथित तौर पर सभी बाधाओं का पालन करते हैं। पहले घंटे की बेतुकीता के बावजूद बोयापति ने कथा को कई घटनाओं से भर दिया है और दर्शकों को सोचने के लिए ज़्यादा जगह नहीं दी है। मध्यांतर के बाद सारी उथल पुछल मच जाती है। फूला हुआ साबुन वाला मेलो ड्रामा और 70 के दशक की शैली की दुश्मनी लगातार आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। इस बार नायकों के आयु वर्ग को देखते हुए निर्देशक के पुराने विचार और भी खराब लगते हैं। व्यापक प्रहारों को सहन करना कठिन है। रामकृष्ण राजू एक उद्यमी को समाज के उद्धारकर्ता के रूप में सम्मानित किया जाता है। बड़े दिल वाला नायक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट है जो अपने माता पिता की देखभाल के लिए अपने गांव लौटता है। पुलिस भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री नासमझ है। हमेशा की तरह बोयापति के ब्रह्मांड में कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। सिर ऐसे उड़ते रहते हैं मानो खिलौने हो, खून पानी की तरह बहता है। अब आप बोयापति शैली की सामूहिक फिल्म के प्रगतिशील होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह दुखद है कि फिल्म निर्माता समय का जायजा लेने से इनकार कर देता है। महिलाओं को परिवार के सम्मान के रूप में देखा जाता है जिन्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। पुरुषों का विशाल अहंकार, अंततः निर्णय लेने वाले और संरक्षण, कोई अच्छी खबर है। फिल्म के भीतर स्कंदा 2 की घोषणा है लेकिन इसके पूरा होने की संभावना नहीं है। और यह निराशाजनक है कि राम पुथिनानी जैसी क्षमता वाला कोई व्यक्ति अपनी स्क्रिप्ट के चयन में बार बार गलतियां करता है। सी लीला की उपस्थिति, जो कि मामूली उपस्थिति है, गानों के दौरान सबसे अच्छी तरह महसूस की जाती है। वह अनजाने हास्य कलाकार है। यह आश्चर्यजनक रूप से श्रीकांत है जो अधिक 90 दिखते हैं और कई बार डेसिबल के स्तर को नियंत्रित रखते हैं। राजा दुग्गुबाती ऑन स्क्रीन पिता कम और राम पुथिनानी के PR अधिक हैं। शरत लोहित तस्व एक बार फिर व्यंगात्मक खलनायक बनकर रह गए हैं और प्रिंस सेसिल की छवि में बदलाव की कोशिश सफल नहीं हो पाई है। अनुभवी कलाकार इंद्रजा गौतमी पृष्ठभूमि में फर्नीचर के एक टुकड़े की तरह दिखाई देते हैं। थमन के औसत दर्जे के एल्बम में नी चुट्टू चुट्टू और गंडरा बाई सबसे अच्छे हैं, जबकि बैकग्राउंड स्कोर भी अकल्पनीय है। स्कंदा एक ऐसी फिल्म है जो बोयापति की पिछली फिल्म विनय विद्याराम को भी असीम रूप से बेहतर बनाती। यहाँ कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह फिल्म निर्माता के लिए काम का एक बुरा दिन है। राम पुथिनानी की लिस्ट चयन की समस्याएं जारी है और संगीतकार थमन, जो एक्शन मनोरंजन के शौकीन है, बड़े अंतर से वो चूक जाते हैं। बोयापति सीनू की फिल्मों में भौतिकी की कमियाँ। उनकी हालिया रिलीज स्कंदा में राजनीति विज्ञान कक्षा की आश्चर्यजनक उपस्थिति,
मेरा मतलब है एक बार के लिए बीटेक कक्षा नहीं देखना अच्छा है, से बिल्कुल ही परे है। यह भूगोल और समाजशास्त्र के प्रति निर्देशक का निरंतर जुनून है। यह अधिक विश्लेषण की मांग करता है। यह निश्चित है कि इसमें कई बारीकियां नहीं है, लेकिन यह बारीकियों की कमी है, या यूं कहे कि राजनीतिक शुद्धता के प्रतीक निर्भीक उदासीनता है, जो एक मनोरंजक विडंबनापूर्ण स्वागत का कारण बनती है। झांसी के तेलंगाना उच्चारण नए पैसे बोयापति की तुलसी में कोका पेट चाची या सराय नोरू में विद्यू रमन द्वारा निभाई गई सांभर गजलिंग संभावित रूप से निंदनीय तमीज सेल्वी के बारे में सोचे। वे बहुत भड़कीले लेकिन मनोरंजक थे। हमने उनके पात्रों के द्वारा प्रस्तुत आक्रोश का विश्लेषण किया है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में क्रूर तरीके से संसाधित मजाक के साथ। स्कंद को काटकर ऐसा महसूस होता है कि निर्देशक ने कुछ मायनों में उस रूढ़िवादिता को पार कर लिया है। आखिरकार जब हमें फिल्म की शुरुआत में दो प्रमुख पात्रों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से परिचित कराया जाता है, तो वे पूरी तरह से भिन्न नहीं होते हैं। दोनों अपराध में धनी भागीदार हैं और उनके रास्ते में आने वाले लोगों को मारने की समान प्रवृत्ति रखते हैं। उनके दोस्त बनने के कारण उतने ही स्वाभाविक लगते हैं जितने कि वे दुश्मन बन जाते हैं, और ऐसा लगता है कि दोनों को इस बात का एहसास भी है। एक बिंदु पर फिल्म अनंतपुर को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में भी प्रदर्शित करती है। एक पूरी तरह से अलग स्पर्श रेखा में ये दो विवरण मुख्यमंत्री और राज्य की राजधानी का हल्का संशोधनवादी विचार। मेरी इच्छा है कि बोयापति श्रीनु राजनीति पर अपने विचारों के बारे में बात करने के लिए जो रोगन शैली पॉडकास्ट पर उपस्थित हों, सटीक होने के लिए तेलुगु राज्यों का विभाजन। हालांकि फिल्म के बाकी हिस्सों ने इसके अभिनेताओं को बहुत कुछ नहीं दिया, इसे देखने वाले दर्शकों की तो बातें ही बिल्कुल छोड़ दें। जब आप फिल्म के पहले 5 मिनट में एक जोड़े को हेलीकॉप्टर में भागते हुए देखते हैं, तो स्कंदा का बोयावाद तुरंत सामने आ जाता है। श्रेय जहां उचित है, पहले भाग में एक कहानी की झलक मिलती है। मातृ शोका गुड़िया की तरह सामने आने वाले फ्लैश बैक के भीतर कथात्मक गलत दिशा निर्देशों और फ्लैश बैक की एक श्रृंखला में हमें राम के चरित्र से परिचित कराया जाता है। उनके और श्री लीला के चरित्र के बीच एक चंचल खिंचाव है, जो मनमोहक से अधिक कष्टप्रद है। लेकिन इससे पहले की शिकायत अपनी तीव्रता बढ़ाती, हमें नायिका को पृष्ठभूमि में धकेलने से पहले कुछ मजेदार नृत्य दृश्य सौंप जाते हैं। नृत्य एक ऐसी फिल्म के रेगिस्तान में एक स्वागत योग्य नकलिस्तान है, जिसमें कोई रचनात्मक पानी नहीं है, यहाँ तक कि कमजोर संगीत स्कोर के साथ भी। एक और नायिका साई मंजरेकर है, जो श्रीलीला जितनी ही मोहरा है। हमें इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है कि चीज़ों की बड़ी योजना में ये पात्र कहाँ है। स्कंदा का दूसरा भाग जहाँ कथानक धीरे धीरे सुलझता है, दर्शकों के धैर्य की परीक्षा लेता है, फिर फिल्म का बाकी हिस्सा इतना अधिक भुगतान करने वाला नहीं है जितना कि यह एक टर्न ऑफ है। कई कारण है कि क्यों स्कंदा उतनी सशक्त मसाला मनोरंजक फिल्म नहीं बनी जितनी वह हो सकती थी। फिल्म के एक एक्शन दृश्यों की गति और ऊर्जा प्राथमिक दोषी है। फिल्म की शुरुआत में राम एक पंक्ति कहते हैं कि उन्हें केवल ध्यान और उत्थान की आवश्यकता है, लेकिन घमंड के ये जुड़वा अवगुण फिल्म के सबसे बड़े दुश्मन साबित होते हैं। अभिनेता को उसके सबसे वीरतापूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश में फिल्म स्लो मोशन शॉट्स का तब तक दुरुपयोग करती है जब तक कि वे अपना प्रभाव नहीं खोते थे। एक या दो घटनाएं हैं, जैसे जब राम अपने पिता को निशाना बनाकर भाला पकड़ता है, या जब वह तीर चलाने के लिए दो खलनायकों की भुजाओं को धनुष के रूप में उपयोग करता है, लेकिन अधिकांश भाग में कार्रवाई सबसे कमजोर होती है। मोनोलॉग थकान पैदा करने वाले भी होते हैं।
नायक के पिता के द्वारा उसकी संतान की महानता के गीत गाना एक बात है, लेकिन खलनायक से बिल्कुल वही काम करवाना। हो सकता है कि इसने बालकृष्ण जैसे किसी व्यक्ति के साथ काम किया। बजट की बात किया जाए तो इस फिल्म का टोटल बजट जो है वो 50 करोड़ रुपए के बजट में इस फिल्म को बनाया गया, और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बातें करें तो लगभग 60 करोड़ रुपए अपने हिंदुस्तान में इसने कमाया है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा तो फरवरी 2022 में ही अस्थायी शीर्षक बोयापति रापो के तहत की गई थी, जबकि आधिकारिक शीर्षक स्कंदा की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी, और मुख्य फोटोग्राफी जो है वो अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो गई थी और अगस्त 2023 में समाप्त हुई थी। और सारी चीज़ों को मैं दोस्तों बता रहा हूँ, मतलब कि प्री प्रोडक्शन के बारे में बातें हम लोग कर लेंगे और पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में बातें कर लेंगे। प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों संगीत इसका जो है सो थमन एस के द्वारा रचित है, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः संतोष डेटेक और तम्मी राजू द्वारा संभाला गया था। स्कंदा को 28 सितंबर 2023 को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, और इसकी कहानी राजनीतिक व्यंग, निर्देशन, मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और एक्शन स्टंट के लिए इसकी भारी आलोचना की गई थी। फिल्म ने लगभग 50 करोड़ के बजट के मुकाबले 60 करोड़ रुपए की इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। और इसके कथानक पर थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं, इसकी थोड़ी सी स्टोरी पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी रिव्यू करेंगे कि इसमें मुख्य रूप से फिल्मों में क्या कमी रह गई, क्या इसका निगेटिव पॉइंट, क्या पॉजिटिव पॉइंट, सारी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसकी जो कहानी का सारांश जो है वो है, रायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो अपनी बेटी की शादी चिनप्पा से कराते हैं, और शादी के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रंजीत रेड्डी का बेटा एक अतिथि के रूप में विवाह स्थल पर आता है और रायडू की बेटी के साथ भाग जाता है। इससे रंजीत रेड्डी और रायडू क्रोधित हो जाते हैं, जहां वे एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। और इसी बीच पुरुष नायक एक कॉलेज छात्र है जो रायडू की बेटी और रंजीत रेड्डी की बेटी, लेकिन महिला नायक जो पुरुष नायक की सहपाठी भी होती है, का अपहरण कर देता है और उन्हें रुद्र राजूपुरम में अपने गृह नगर ले जाता है। और यह पता चलता है कि अपहरण क्राउन ग्रुप के कंपनी के सीईओ द्वारा रुद्र क्रांति रामकृष्ण राजू से जुड़े हुए हैं, जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं। और रंजीत रेड्डी और रायडू ने अपने अवैध धन को वैध बनाने से इनकार करने के कारण उन्हें गलत तरीके से कैद कर लिया था। और यह भी पता चलता है कि रामकृष्ण ने राजू नायक के पिता मणिकांत राजू के सबसे अच्छे दोस्त हैं। नायक रामकृष्ण राजू की बेगुनाही साबित करना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी रुद्रगंती परिणीता को बचाने के लिए दोष लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसे रंजीत और राजू के लोगों ने बंदी बना लिया था। और बिना किसी विकल्प के रंजीत और रायडू ने रामकृष्ण राजू को जेल से छुड़ा लेता है। इसके बाद दोनों एक मंदिर उत्सव में नायक और उसके परिवार पर हमला करते हैं, लेकिन नायक के हमशक्ल द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। आखिरकार रंजीत और रायडू ने मीडिया के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया, जब रामकृष्ण राजू ने नायक के हमशक्ल के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह मोरक्को का एक कुख्यात हत्यारा है, जो डैनियल नामक मोरक्को स्थित शक्तिशाली अपराध मालिक की मौत के लिए जिम्मेदार है। और इस उसके इतिहास के बारे में जानने के बाद रायडू और रंजीत रेड्डी उससे भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हम सकल दूर चला जाता है और यह दर्शाता है कि उसका अतीत स्कंदा 2 नामक अगली कड़ी में निश्चित रूप से सामने आएगा। मतलब कि इसके निर्देशक इस कहानी को वहां तक छोड़ देते हैं, जिसके बाद स्कंदा 2 भी एक सिक्वल के रूप में दर्शकों के सामने फिर से लाया जा सके। दोस्तों इस फिल्म के कलाकार में जो है मुख्य रूप से राम पोथी नैनी, जो कि
डबल भूमिका में वो काम कर रहे हैं, और श्री लीला भी है जो कि रंजीत रेड्डी की बेटी के रूप में उन्होंने काम किया है। रुद्र क्रांति परिणीता है जो कि साई मंजरेकर, अमूलू के रूप में साई मंजरेकर है। रुद्र क्रांति रामकृष्ण राजू की बेटी और हमसकल की प्रियंका है। श्रीकांत रुद्र क्रांति रामकृष्ण राजू के रूप में है। और शरत लोहित सस्वा रंजीत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री और मेजर नायक के पिता के रूप में है। संजय रेड्डी के रूप में प्रिंस सेसिल ने काम किया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रायडू के रूप में अजय पुरकर ने इसमें काम किया है। दोस्तों इसके पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में कुछ चर्चा हो जाए। 18 फरवरी 2022 को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा की जो बोयापति सिन्हू के द्वारा निर्देशित है, और इसमें राम पोथिनेनी मुख्य भूमिका में होंगे। ये आपको पहले से ही चर्चा थी, और इसे अस्थायी तौर पर बोयापति रापो नाम दिया गया था। और 1 जून 2022 को हैदराबाद में एक मुहूर्तम पूजा आयोजित की गई थी, और 5 अक्टूबर 2022 को श्री लीला को पहली बार राम पोथिनेनी के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। और 3 जुलाई 2023 को एक झलक जारी की गई जिसमें स्कंदा शीर्षक का पता चला था। और इसके फिल्मांकन की बात करें तो मुख्य रूप से मुख्य फोटोग्राफी 6 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी, और दूसरा शेड्यूल नवंबर में शुरू हुआ और इसमें एक एक्शन सीक्वेंस शामिल था। और तीसरा शेड्यूल जनवरी 2023 में शुरू हुआ था, और शेड्यूल में पोथिनेनी और श्रीलीला का एक दृश्य भी उसमें शामिल था। और इसके साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की बातें करें तो इस थमग के द्वारा इसको तैयार किया गया है, जो कांदी रेगा मसाला और पांडागा चिस्को के बाद पोथिनेनी के साथ अपने ये चौथे फिल्म में साथ में है। सराय नोडू और अखंड के बाद बोयापति सिन्हू के साथ ये तीसरा सहयोग है, और पहला एकल नी चुट्टू चुट्टू 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, और दूसरा एकल शीर्षक गंदराबाई 18 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, और तीसरा एकल शीर्षक दुमरे दुमा 30 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, और चौथा जो गाना था वो कट मामा 18 सितंबर 2023 को जारी कर दिया गया था। और इसको रिलीज की बात करें तो स्कंदा को पहले 20 अक्टूबर 2023 को तेलुगु में, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डब संस्करणों के साथ रिलीज किया जाना था, लेकिन इसे 28 सितंबर 2023 तक फिर से इसे बढ़ा दिया गया। इस फिल्म के लिए राम पोथिनेनी का प्रभावशाली परिवर्तन उल्लेखनीय है। उनका बिस्ट मूड, खासकर जब वह एक्शन दृश्यों में दुश्मनों को मार गिराता है, बिल्कुल ही असाधारण है। उनकी सामूहिक उपस्थिति के अलावा उनकी अद्भुत संवाद अदायगी दृश्यों में और अधिक वजन जोड़ देती है। एक नायिका के रूप में श्रीलीला बहुत ही कम प्रभावशाली इसमें बन पड़ी हैं, लेकिन वह अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती हैं। अपनी शानदार सुंदरता और नृत्य चाल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। श्रीकांत को एक अच्छी भूमिका मिलती है, और भले ही स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति कम है, लेकिन पूरा शो उनके इर्द गिर्द ही घूमता है। दग्गू बाकी राजू ने भी अच्छी भूमिका निभाई है, और सबसे खास बात कि एस थमन अपने उत्कृष्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए सराहना के पात्र हैं, जो कई दृश्यों को बेहतर बनाता है। और इसके नकारात्मक अंक जो हैं वो ये है कि जादू का आनंद लेने के लिए तर्क को बिल्कुल ही भूल जाइए, और यह उदाहरण बोयापति सिन्हू की हाल की फिल्मों पर बिल्कुल ही लागू होता है, खासकर इस फिल्म में लड़ाई के दृश्यों पर। इस दृष्टि से स्कंदा भी अपवाद नहीं है। हालांकि झगड़े आनंददायक होते हैं और दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं, फिर भी ऐसे क्षण आ सकते हैं जब वे सवाल करते हैं कि यह कैसे संभव है। कहानी ज़्यादातर कुछ भी नया नहीं पेश करती है, जो एक ऐसा पहलू है जिस पर बोयापति सिन्हू को अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिल्म की शुरुआत दिलचस्प होती है, लेकिन जल्द ही यह अपनी गति खो देती है, और दूसरे भाग में इसकी गति धीमी बनी रहती है। दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाले सामूहिक संवाद तैयार करने और प्रशंसकों को सीटियां बजाने पर मजबूर करने वाले
सामूहिक झगड़ों का निर्देशन करने के अलावा उन्हें कथानक पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है जो आकर्षक होना चाहिए। गाने और उसका प्लेसमेंट बिल्कुल सही नहीं है, मतलब कि दृश्य कहीं और चल रहा है, गाना कुछ और ठूस दिया गया, ये बिल्कुल ही उस फिल्म के लिए सटीक नहीं बैठता है। एक दो गानों को छोड़कर बाकी सब भूलने योग्य है क्योंकि वो कर्णप्रिय नहीं है। फिल्म में इंद्रजा, गौतमी और अन्य जैसे कई पात्रों का परिचय दिया गया है जिनका कथानक में योगदान करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। निर्देशक को उन्हें अधिक गुंजाइश देनी चाहिए थी, कम से कम कुछ संवाद बोलने के लिए। दूसरे भाग में भावनात्मक हिस्सा अच्छा है लेकिन उत्कृष्ट नहीं है, इसमें सुधार किया जा सकता था। कुछ संवाद राजनीतिक दलों को लक्षित करते हैं लेकिन ये बड़े पैमाने पर दर्शकों के साथ अधिक गूंज सकते हैं, खासकर बी और सी केंद्रों में। बोयापति श्रीनु एक बड़े पैमाने पर मनोरंजन के साथ लौट रहे हैं जो भावनाओं से अधिक एक्शन की ओर झुकता है। एम रत्नम के संवाद स्वीकार्य हैं और कई बार रोंगटे खड़े कर देते हैं। थमन का बैकग्राउंड स्कोर विशेष रूप से पहले भाग में ऊर्जावान है और कई दृश्यों को बढ़ाता है। संतोष डेटके की सिनेमेटोग्राफी शीर्ष पायदान पर है, खासकर लड़ाई के दृश्यों में। संपादन ठीक है लेकिन बेहतर गति के लिए दूसरे भाग में कई अनावश्यक दृश्यों को काटा जा सकता था और उत्पादन मूल्य जो है इसका बहुत ही सराहनीय है। कुल मिलाकर स्कंदा एक सामूहिक एक्शन मनोरंजक फिल्म है जो राम पोथिनेनी का ठोस प्रदर्शन, ऊर्जावान एक्शन दृश्य और देखने लायक नृत्य पेश करती है। जबकि प्रशंसक और जनता इस हाई वोल्टेज मनोरंजक फिल्म का आनंद लेंगे, फिल्म की सरल कहानी, अतार्किक एक्शन दृश्य और सुस्त दूसरा भाग दूसरों को पसंद नहीं आएगा। यदि आप इन पहलुओं से सहमत हैं तो आप ये फिल्म निश्चित रूप से जाकर थिएटर्स में देख सकते हैं या OTT पर देख सकते हैं। बोयापति श्रीनु के स्कंद में बहुत कुछ चल रहा है, शायद आपको इस तथ्य से विचलित रखने के लिए कि वह आपको बदले की वही पुरानी कहानी फिर से बता रहा है। किरदारों में भरपूर पृष्ठभूमि में तेज संगीत बजते हुए यह फिल्म आपको सोचने का समय ही नहीं देती, जो कि अच्छी और बुरी दोनों बात है। इसमें APCM रायडू, अजय पुरकर और TSCM रंजीत रेड्डी, शरत लोही तस्वा तब तक गहरे और पक्के दोस्त हैं जब तक कि उनके बच्चे एक साथ भागने का फैसला नहीं कर लेते। जाहिरा तौर पर करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं होने के कारण दोनों ने अपने अहंकार को यह तय करने का फैसला किया कि आगे क्या होगा। रुद्र कांति रामकृष्ण राजू एक मशहूर टाइकून है जिसने हाल ही में उन अपराधों को स्वीकार किया है जो उसने नहीं किए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी बेटी परिणीता साई मंजरेकर सुरक्षित है। हालांकि उनके दोस्त दग्गुबाती राजा के पास एक योजना है और एक छात्र राम पोथिनेनी अपनी सहपाठी श्री लीला से बार बार उलझता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे नहीं पता कि वह कौन है। यह सभी लोग कैसे रास्ते पार करते हैं इस कहानी में यह कुछ बताया गया है। किसी भी अन्य बोयापति श्रीनिवास फिल्म की तरह स्कंदा में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक है, ऐसे दृश्य जो परिवार और दोस्ती के महत्व को स्पष्ट करते हैं। ऐसी महिलाएं जिनके पास कोई एजेंसी नहीं है और वे बदला लेने और बातचीत के साधन के रूप में मौजूद है। गुंडों को पीटने के 10 चालाक तरीके, संवाद जो नायक की तुलना भगवान से करे, आप इसका रहस्य जानते हैं। और फिल्म का पहला भाग यहाँ वहाँ मजाकिया होने की कोशिश करता है और इंटरवल से पहले चीज़ों को गहराई से समझने में अपना अच्छा समय ले लेता है, लेकिन जिस तरह से प्री इंटरवल और क्लाइमेक्स के दृश्य चलते हैं, बोयापति इस कहानी पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में अगली कड़ी, मतलब कि स्कंदा टू भी लगभग लगभग आएगी की तैयारी में अधिक रुचि रखते हैं। स्कंदा तब काम करता है जब इसे दोस्ती की कहानी के रूप में देखा जाता है।
कैसे दोस्तों के दो समूहों द्वारा लिए गए निर्णय चीजों को गति प्रदान करते हैं और राम को एक गाय को खींचते हुए भी देखना भी मजेदार है, जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, या श्री लीला के साथ नी चुट्टू चुट्टू या गंडारा बाई के साथ पैर हिलाना मजेदार है। लेकिन यह बहुत जल्द ही गड़बड़ा जाता है, क्योंकि बबलू पृथ्वीराज और प्रिंस सेसिल से लेकर गौतमी और इंद्रजा तक सभी फ्रेम के अंदर और बाहर आते रहते हैं। वास्तव में जब चीज़ें चरम पर पहुंच जाती हैं, तब सुविधाजनक होने पर स्थिति को बचाने के लिए एक और चरित्र लिया जाता है। थमन का स्कोर जो फिल्म को कुछ दृश्यों में अच्छी मदद करता है लेकिन जोरदार है मायने नहीं रखता, संवाद अनजाने में मजेदार बन जाते हैं। राम पोथिनेनी के पास एक ऐसी फिल्म है जो नई बोतल में पुरानी शराब के अलावा कुछ भी नहीं है। वह अपने किरदार में सहज दिखते हैं, जिससे आपको आश्चर्य होता है कि उन्हें फिल्म में पर्याप्त स्क्रीन समय क्यों नहीं मिला। वह स्क्रीन पर अच्छे दिखते हैं और मुश्किल से ही लड़खड़ाते हैं। श्री लीला एक सपने की तरह नृत्य करती है, राम की ऊर्जा के साथ सहजता से मिल खाती है, लेकिन वह कुछ भावनात्मक दृश्यों में लड़खड़ाती है और साई मंजरेकर भी ऐसा ही करती है। बाकी कलाकार जो पेश करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। स्कंदा ऐसी फिल्म नहीं है जिससे आप तर्क की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब इसमें केवल राम और कुछ एक्शन सीक्वेंस होते हैं तो मनोरंजन के लिए बहुत कुछ भी इसमें नहीं बच पाता है। जब किसी फिल्म का निर्देशन निर्देशक बोयापति सिनू के द्वारा किया जाता है तो आप चेहरे पर हल्की हंसी या खुशी की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ कुछ इसी तरह की बात है। और आपने हाल ही में एक सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जहाँ एक ट्रक का कंकाल एक मोड़ पर बातचीत की प्रक्रिया में ड्राइवर और भारी भार को बाहर फेंकता हुआ आगे बढ़ता रहता है, निर्देशक बोयापति सिनू अज्ञात कारणों से फिलहाल उसी क्षेत्र में है। बेशक आप अखंडा की बॉक्स ऑफिस सफलता का नाम लेने से नहीं चूक सकते, लेकिन राम पोथिनेनी अपने चॉकलेट बॉय लुक के लिए जैसे भोले भाले व्यक्ति के साथ एक एक्शन एंटरटेनमेंट के साथ प्रयोग करने से कई लोगों के होश उड़ गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रंजीत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रायडू, जो कि पूर्व मित्र से प्रतिद्वंदी बने हैं, जो एक दूसरे के प्रति द्वेष विकसित करते हैं क्योंकि उनके बच्चों को प्यार हो गया, इसके बाद यह जोड़ा एक नई दुनिया की खोज के लिए भाग जाता है। इस बीच राजनीति विज्ञान का छात्र राम, जो श्री लीला की टांग खींचता रहता है, मुख्यमंत्रियों की दो बेटियों का अपहरण कर लेता है। वह लड़कियों का अपहरण क्यों करता है? व्यवसायी रुद्र गंती रामकृष्ण राजू उन अपराधों के लिए मौत की सजा का इंतजार करते हुए जेल में क्यों सड़ रहे हैं, जो उन्होंने किया ही नहीं है? और कहानी जो है से यही बताता है। शुरुआत से ही स्कंदा स्क्रीन पर हर जगह लाल दिखाई पड़ता है। जब इसे निर्देशक बोयापति सिनू ने निर्देशित किया हो तो आप चेहरे पर हंसी या खुशी की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की बात है। वास्तव में आपको 2.5 घंटे से अधिक समय तक तर्क को भूलना होगा और पात्रों के साथ बैठकर देखना होगा कि आगे क्या होगा। अजीब वस्तुओं से प्रहार होने पर गुंडे उड़ते रहते हैं, हालांकि स्कंदा में यह आम दृश्य है। इसके बाद लयबद्ध झंकार में संवाद होते हैं और हो सकता है कि हीरो द्वारा इतनी गंभीरता से डायलॉग बोलने पर आप जोर जोर से हंसने लगे। बस यह सुनिश्चित करें कि आप हॉल में बोयापति प्रशंसकों के बीच नहीं बैठे हैं। स्कंदा एक पारंपरिक एक्शन ड्रामा है जहां आपको नायक को अपने परिवार के गौरव की प्रतिज्ञा करते और सम्मान बचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हुए देखने को मिलता है। जैसे निर्देशक ने अपनी पिछली सभी फिल्मों में गंभीर किरदारों पर व्यंग किया था, उन्होंने राम पोथिनेनी के साथ फिर से ऐसा ही किया है। नायक एक ही हथियार से 100 से अधिक हथियारबद्ध लोगों को मार गिराने का अभियान चलाता है और राम पोथिनेनी अपने रग्ड लुक से काफ़ी आकर्षक दिखते हैं
और आप राजनीति विज्ञान के एक छात्र से अपेक्षा करते हैं कि वह कम से कम दिखावे के मामले में समझदार हो, लेकिन वह बिल्कुल विपरीत है। भारी अवतार स्क्रीन पर एक नया राम पोथिनेरी दिखाता है। एक बिंदु पर आप भूल जाते हैं कि यह स्क्रीन पर राम पोथिनेरी है। आप काले और नीले रंग में खलनायकों को पीटते नायकों के एक्शन दृश्यों पर सीटी बजाने के लिए अनजाने में अपनी सीट से उठ भी सकते हैं। यह सब बलैया है राम पोथिनेरी। यह स्पष्ट है कि श्री लीला को क्यों कास्ट किया गया है। तो फिल्म में मुख्य अभिनेत्री से ज़्यादा एक नर्तकी है। साई मंजरेकर व्यवसायी रामकृष्ण राजू की बेटी परिणीता के रूप में एक विस्तारित अतिथि भूमिका निभाती है। अधिकांश पात्र जैसे इंद्रजा और गौतमी चुप रहते हैं, जैसे कि वे सभी नाटक को प्रोत्साहन देने के बजाय एक्शन को केंद्र में रखने के लिए मौन है। स्कंदा बायोपति श्री न्यूकी एक नियमित और सूत्रबद्ध कथा है। यह तर्कहीन कहानी और बेतुकी कॉमेडी के साथ बड़े पैमाने पर दर्शकों में अर्थहीन अफीम पैदा करता है और गणेश विसर्जन के दौरान मौज मस्ती का दिन भी खराब कर सकता है। लोकप्रिय ट्विटर ट्रेंड के अनुसार आप वास्तव में कहे बिना कैसे कहते हैं कि आप बोयापति श्रीनु की फिल्म देख रहे हैं। राजनीति विज्ञान की कक्षा में मुख्य पुरुष नेता मुख्यमंत्री बनने की अपनी रणनीति पर चर्चा करते हुए कहता है, इयाले कोयले गट्टीगा और स्थे थोयले। उसका सहपाठी जो जीवन जीने की कला तकनीकों का अभ्यास करता है, एक समतावादी दुनिया देखने की उम्मीद करता है और राजनीति के माध्यम से और दोनों में प्यार हो जाता है। जब आप बोयापति श्रीनु फिल्म देखते हैं तो सावधान रहना सुरक्षित है। देखने के अनुभव के केवल दो परिणाम हो सकते हैं, या तो आप सिनेमाघरों को और काल्पनिक भावनात्मक उत्साह के साथ छोड़ दें, या 15 मिनट पहले के भीतर निकास बोर्ड को घूरते रहें। कोई बीच का रास्ता नहीं है। स्कंदा निर्देशक के करियर की सबसे कम प्रभावशाली फिल्म है। दुखद बात यह है कि वह कठिन प्रयास भी नहीं करता है। फिल्म बोयापति टेम्पलेट के सभी मानकों पर खड़ी उतरती है और एक महिला खतरे में है और एक अति पुरुषवादी खलनायक बदला लेने के लिए भूखा है। संक्षेप में रोमांस कुछ व्याकुलता है, एक अंतरालीय मोड़ और उसके बाद एक मेलोड्रामेटिक फ्लैशबैक है। नायक स्थिति को संभालता है और एक धार्मिक अनुष्ठान के कारण रक्त स्नान का अंत होता है और आप कहाँ अचानक के बिंदुओं को भली भांति परिचित होकर थिएटर जाते हैं। हाल ही में बड़े पैमाने पर फिल्मों द्वारा निर्धारित निम्न मानकों के बावजूद भी यह कहानी हास्यास्पद है। तेलुगु राज्यों के दो अहंकारी मुख्यमंत्री एक विश्वसनीय उद्यमी के परिवार से के पीछे है, जो काले धन को सफेद करने के उनके प्रयासों में सहयोग करने से इनकार कर देता है। नायक पूर्व मुख्यमंत्री का भतीजा उसकी बेटियों का अपहरण कर लेता है और उसके बाद CM को सबक सिखाने की कोशिश करता है और उनमें से एक के साथ प्यार में पड़ जाता है। स्कंदा की सबसे बड़ी कमजोरी एक मौजूदा मजबूत भावनात्मक कोर की अनुपस्थिति है। नायक के बदला लेने के पीछे का मकसद कम समझ में आता है। टकराव रन टाइम को बढ़ावा देने का एक बहाना है। विडम्बना यह है कि तेलुगु राज्यों के मुख्यमंत्री ऊंची आवाज में चिल्लाते रहते हैं और सड़क के गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं। वे एक शक्तिशाली युवा की दवा पर निर्भर है, जो कथित तौर पर सभी बाधाओं का पालन करते हैं। पहले घंटे की बेतुकीता के बावजूद बोयापति ने कथा को कई घटनाओं से भर दिया है और दर्शकों को सोचने के लिए ज़्यादा जगह नहीं दी है। मध्यांतर के बाद सारी उथल पुछल मच जाती है। फूला हुआ साबुन वाला मेलो ड्रामा और 70 के दशक की शैली की दुश्मनी लगातार आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। इस बार नायकों के आयु वर्ग को देखते हुए निर्देशक के पुराने विचार और भी खराब लगते हैं।
व्यापक प्रहारों को सहन करना कठिन है। रामकृष्ण राजू एक उद्यमी को समाज के उद्धारकर्ता के रूप में सम्मानित किया जाता है। बड़े दिल वाला नायक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट है, जो अपने माता पिता की देखभाल के लिए अपने गांव लौटता है। पुलिस भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री नासमझ है, हमेशा की तरह बोयापति के ब्रह्मांड में कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। सिर ऐसे उड़ते रहते हैं मानो खिलौने हो, खून पानी की तरह बहता है। अब आप बोयापति शैली की सामूहिक फिल्म के प्रगतिशील होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह दुखद है कि फिल्म निर्माता समय का जायजा लेने से इनकार कर देता है। महिलाओं को परिवार के सम्मान के रूप में देखा जाता है, जिन्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। पुरुषों का विशाल अहंकार, अंततः निर्णय लेने वाले और संरक्षण। कोई अच्छी खबर है, फिल्म के भीतर स्कंदर 2 की घोषणा है, लेकिन इसके पूरा होने की संभावना नहीं है। और यह निराशाजनक है कि राम पृथ्वीनैनी जैसी क्षमता वाला कोई व्यक्ति अपनी स्क्रिप्ट के चयन में बार बार गलतियां करता है। श्रीलीला की उपस्थिति, जो कि मामूली उपस्थिति है, गानों के दौरान सबसे अच्छी तरह महसूस की जाती है। वह अनजाने हास्य कलाकार है। यह आश्चर्यजनक रूप से श्रीकांत है, जो अधिक 90 तुल्य दिखते हैं और कई बार डेसिबल के स्तर को नियंत्रित रखते हैं। राजा दुग्गुबाती ऑन स्क्रीन पिता कम और राम पृथ्वीनैनी के PR अधिक हैं। शरत लोहित तस्व एक बार फिर व्यंगात्मक खलनायक बनकर रह गए हैं और प्रिंस सेसिल की छवि में बदलाव की कोशिश सफल नहीं हो पाई है। अनुभवी कलाकार इंद्रजा गौतमी पृष्ठभूमि में फर्नीचर के एक टुकड़े की तरह दिखाई देते हैं। थमन के औसत दर्जे के एल्बम में नी चुट्टू चुट्टू और गंडरा बाई सबसे अच्छे हैं, जबकि बैकग्राउंड स्कोर भी अकल्पनीय है। स्कंदा एक ऐसी फिल्म है जो बोयापति की पिछली फिल्म विनय विद्याराम को भी असीम रूप से बेहतर बनाती। यहाँ कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, यह फिल्म निर्माता के लिए काम का एक बुरा दिन है। राम पृथ्वीनैनी की लिस्ट चयन की समस्याएं जारी है और संगीतकार थमन, जो एक्शन मनोरंजन के शौकीन है, बड़े अंतर से वो चूक जाते हैं। बोयापति सीनू की फिल्मों में भौतिकी की कमी या उनकी हालिया रिलीज स्कंदा में राजनीति विज्ञान कक्षा की आश्चर्यजनक उपस्थिति। मेरा मतलब है, एक बार के लिए बीटेक कक्षा नहीं देखना अच्छा है, से बिल्कुल ही परे है। यह भूगोल और समाजशास्त्र के प्रति निर्देशक का निरंतर जुनून है। यह अधिक विश्लेषण की मांग करता है। यह निश्चित है कि इसमें कई बारीकियाँ नहीं है, लेकिन यह बारीकियों की कमी है, या यूं कहे कि राजनीतिक शुद्धता के प्रतीक निर्भीक उदासीनता है, जो एक मनोरंजक विडंबनापूर्ण स्वागत का कारण बनती है। झांसी की तेलंगाना उच्चारण नए पैसे, बोयापति की तुलसी में कोका पेट चाची, या सराय नोरू में विद्यू रमन द्वारा निभाई गई सांभर गजलिंग संभावित रूप से निंदनीय तमीज सेल्वी के बारे में सोचे। वे बहुत भड़कीले लेकिन मनोरंजक थे। हमने उनके पात्रों के द्वारा प्रस्तुत आक्रोश का विश्लेषण किया है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में क्रूर तरीके से संसाधित मजाक के साथ। स्कंद को काटकर ऐसा महसूस होता है कि निर्देशक ने कुछ मायनों में उस रूढ़िवादिता को पार कर लिया है। आखिरकार जब हमें फिल्म की शुरुआत में दो प्रमुख पात्रों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से परिचित कराया जाता है, तो वे पूरी तरह से भिन्न नहीं होते हैं। दोनों अपराध में धनी भागीदार हैं और उनके रास्ते में आने वाले लोगों को मारने की समान प्रवृत्ति रखते हैं। उनके दोस्त बनने के कारण उतने ही स्वाभाविक लगते हैं जितने कि वे दुश्मन बन जाते हैं, और ऐसा लगता है कि दोनों को इस बात का एहसास भी है। एक बिंदु पर फिल्म अनंतपुर को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में भी प्रदर्शित करती है। एक पूरी तरह से अलग स्पर्श रेखा में ये दो विवरण मुख्यमंत्री और राज्य की राजधानी का हल्का संशोधनवादी विचार। मेरी इच्छा है कि बोयापति सीनू राजनीति पर अपने विचारों के बारे में बात करने के लिए जो रोगन शैली पॉडकास्ट पर उपस्थित हो, सटीक होने के लिए तेलुगु राज्यों का विभाजन। हालांकि फिल्म के बाकी हिस्सों ने इसके अभिनेताओं को बहुत कुछ नहीं दिया, इसे देखने वाले दर्शकों की तो बातें ही बिल्कुल छोड़ दें। जब आप फिल्म के पहले 5 मिनट में एक जोड़े को हेलीकॉप्टर में भागते हुए देखते हैं,
तो स्कंदा का बोयावाद तुरंत सामने आ जाता है। श्रेय जहाँ उचित है, पहले भाग में एक कहानी की झलक मिलती है। मातृ शोका गुड़िया की तरह सामने आने वाले फ्लैश बैक के भीतर कथात्मक गलत दिशा निर्देशों और फ्लैश बैक की एक श्रृंखला में हमें राम के चरित्र से परिचित कराया जाता है। उनके और श्री लीला के चरित्र के बीच एक चंचल खिंचाव है जो मनमोहक से अधिक कष्टप्रद है, लेकिन इससे पहले की शिकायत अपनी तीव्रता बढ़ाती हमें नायिका को पृष्ठभूमि में धकेलने से पहले कुछ मजेदार नृत्य दृश्य सौंप जाते हैं। नृत्य एक ऐसी फिल्म के रेगिस्तान में एक स्वागत योग्य नकलिस्तान है जिसमें कोई रचनात्मक पानी नहीं है, यहाँ तक कि कमजोर संगीत स्कोर के साथ भी। एक और नायिका साई मुख्य रूप से राम के पोथी नैनी जो कि डबल भूमिका में वो काम कर रहे हैं, और श्री लीला भी है जो कि रंजीत रेड्डी की बेटी के रूप में उन्होंने काम किया है। रुद्र क्रांति परिणीता है जो कि साई मंजरेकर, अम्मुल्लू के रूप में साई मंजरेकर है। रुद्र क्रांति रामकृष्ण राजू की बेटी और हम सकल की प्रेमिका है। श्रीकांत रुद्र क्रांति रामकृष्ण राजू के रूप में है, और शरत लोहित सस्वा रंजीत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री और मेजर नायक के पिता के रूप में है। संजय रेड्डी के रूप में प्रिंस सेसिल ने काम किया है, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू के रूप में अजय पुरकर ने इसमें काम किया है। दोस्तों इसके पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में कुछ चर्चा हो जाए। 18 फरवरी 2022 को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा की जो बोयापति सिंह के द्वारा निर्देशित है, और इसमें राम पोथी नैनी मुख्य भूमिका में होंगे। ये आपको पहले से ही चर्चा थी, और इसे अस्थायी तौर पर बोयापति रापो नाम दिया गया था। और 1 जून 2022 को हैदराबाद में एक मुहूर्तम पूजा आयोजित की गई थी, और 5 अक्टूबर 2022 को श्री लीला को पहली बार राम पोथी नैनी के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। और 3 जुलाई 2023 को एक झलक जारी की गई जिसमें स्कंदा शीर्षक का पता चला था। और इसके फिल्मांकन की बात करें तो मुख्य रूप से मुख्य फोटोग्राफी 6 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई थी, और दूसरा शेड्यूल नवंबर में शुरू हुआ और इसमें एक एक्शन सीक्वेंस शामिल था, और तीसरा शेड्यूल जनवरी 2023 में शुरू हुआ था, और शेड्यूल में पोथी नैनी और श्री लीला का एक दृश्य भी उसमें शामिल था। और इसके साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की बातें करें तो एस थमग के द्वारा इसको तैयार किया गया है, जो कांदी रेगा मसाला और पांडागा चिस्को के बाद पोथी नैनी के साथ अपने ये चौथे फिल्म में साथ में है। सराय नोडू और अखंड के बाद बोयापति श्रीनू के साथ ये तीसरा सहयोग है, और पहला एकल नी चुट्टू चुट्टू 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, और दूसरा एकल शीर्षक गंदराबाई 18 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, और तीसरा एकल शीर्षक दुमरे दुमा 30 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, और चौथा जो गाना था वो कट मामा 18 सितंबर 2023 को जारी कर दिया गया था। और इसको रिलीज की बात करें तो स्कंदा को पहले 20 अक्टूबर 2023 को तेलुगु में, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डब संस्करणों के साथ रिलीज किया जा रहा था, लेकिन इसे 28 सितंबर 2023 तक फिर से इसे बढ़ा दिया गया। इस फिल्म के लिए राम पोथी नैनी का प्रभावशाली परिवर्तन उल्लेखनीय है। उनका बिस्ट मूड, खासकर जब वह एक्शन दृश्यों में दुश्मनों को मार गिराता है, बिल्कुल ही असाधारण है। उनकी सामूहिक उपस्थिति के अलावा उनकी अद्भुत संवाद अदायगी दृश्यों में और अधिक वजन जोड़ देती है। एक नायिका के रूप में श्रीलीला बहुत ही कम प्रभावशाली इसमें बन पड़ी हैं, लेकिन वह अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती हैं। अपनी शानदार सुंदरता और नृत्य चाल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। श्रीकांत को एक अच्छी भूमिका मिलती है, और भले ही स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति कम है, लेकिन पूरा शो उनके इर्द गिर्द ही घूमता है। दग्गू बाती राजू ने भी अच्छी भूमिका निभाई है,
और सबसे खास बात कि एस थमन अपने उत्कृष्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए सराहना के पात्र है, जो कई दृश्यों को बेहतर बनाता है। और इसके नकारात्मक अंक जो हैं वो ये है कि जादू का आनंद लेने के लिए तर्क को बिल्कुल ही भूल जाइए। और यह उदाहरण बोयापति सिंह की हाल की फिल्मों पर बिल्कुल ही लागू होता है, खासकर इस फिल्म में लड़ाई के दृश्यों पर। इस दृष्टि से स्कंदा भी अपवाद नहीं है। हालांकि झगड़े आनंददायक होते हैं और दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं, फिर भी ऐसे क्षण आ सकते हैं जब वे सवाल करते हैं कि यह कैसे संभव है। कहानी ज़्यादातर कुछ भी नया नहीं पेश करती है, जो एक ऐसा पहलू है जिस पर बोयापति सिंह को अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिल्म की शुरुआत दिलचस्प होती है, लेकिन जल्द ही यह अपनी गति खो देती है और दूसरे भाग में इसकी गति धीमी बनी रहती है। दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाले सामूहिक संवाद तैयार करने और प्रशंसकों को सीटियां बजाने पर मजबूर करने वाले सामूहिक झगड़ों का निर्देशन करने के अलावा उन्हें कथानक पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जो आकर्षक होना चाहिए। गाने और उसका प्लेसमेंट बिल्कुल सही नहीं है, मतलब कि दृश्य कहीं और चल रहा है, गाना कुछ और ठूस दिया गया, ये बिल्कुल ही उस फिल्म के लिए सटीक नहीं बैठता है। एक दो गानों को छोड़कर बाकी सब भूलने योग्य है, क्योंकि वो कर्णप्रिय नहीं है। फिल्म में इंद्रजा, गौतमी और अन्य जैसे कई पात्रों का परिचय दिया गया है, जिनका कथानक में योगदान करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। निर्देशक को उन्हें अधिक गुंजाइश देनी चाहिए थी, कम से कम कुछ संवाद बोलने के लिए। दूसरे भाग में भावनात्मक हिस्सा अच्छा है, लेकिन उत्कृष्ट नहीं है। इसमें सुधार किया जा सकता था। कुछ संवाद राजनीतिक दलों को लक्षित करते हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पर दर्शकों के साथ अधिक गूंज सकते हैं, खासकर बी और सी केंद्रों में। बोयापति सिंह एक बड़े पैमाने पर मनोरंजन के साथ लौट रहे हैं, जो भावनाओं से अधिक एक्शन की ओर झुकता है। एम रत्नम के संवाद स्वीकार्य हैं और कई बार रोंगटे खड़े कर देते हैं। थमन का बैकग्राउंड स्कोर विशेष रूप से पहले भाग में ऊर्जावान है और कई दृश्यों को बढ़ाता है। संतोष डेटके की सिनेमेटोग्राफी शीर्ष पायदान पर है, खासकर लड़ाई के दृश्यों में। संपादन ठीक है, लेकिन बेहतर गति के लिए दूसरे भाग में कई अनावश्यक दृश्यों को काटा जा सकता था, और उत्पादन मूल्य जो है इसका बहुत ही सराहनीय है। कुल मिलाकर स्कंदा एक सामूहिक एक्शन मनोरंजक फिल्म है, जो राम पोथीनेनी का ठोस प्रदर्शन, ऊर्जावान एक्शन दृश्य और देखने लायक नृत्य पेश करती है। जबकि प्रशंसक और जनता इस हाई वोल्टेज मनोरंजक फिल्म का आनंद लेंगे, फिल्म की सरल कहानी, अतार्किक एक्शन दृश्य और सुस्त दूसरा भाग दूसरों को पसंद नहीं आएगा। यदि आप इन पहलुओं से सहमत हैं तो आप ये फिल्म निश्चित रूप से जाकर थिएटर्स में देख सकते हैं या OTT पर देख सकते हैं। बोयापति सिंह के स्कंद में बहुत कुछ चल रहा है, शायद आपको इस तथ्य से विचलित रखने के लिए कि वह आपको बदले की वही पुरानी कहानी फिर से बता रहा है। किरदारों में भरपूर पृष्ठभूमि में तेज संगीत बजते हुए यह फिल्म आपको सोचने का समय ही नहीं देती, जो कि अच्छी और बुरी दोनों बात है। इसमें APCM रायडू, अजय पुरकर और TSCM रंजीत रेड्डी, शरत लोही तस्वा तब तक गहरे और पक्के दोस्त हैं जब तक कि उनके बच्चे एक साथ भागने का फैसला नहीं कर लेते। जाहिरा तौर पर करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं होने के कारण दोनों ने अपने अहंकार को यह तय करने का फैसला किया कि आगे क्या होगा। रुद्र कांति रामकृष्ण राजू एक मशहूर टाइकून है, जिसने हाल ही में उन अपराधों को स्वीकार किया है जो उसने नहीं किए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी बेटी परिणीता साई मंजरेकर सुरक्षित है। हालांकि उनके दोस्त दग्गुबाती राजा के पास एक योजना है, और एक छात्र राम पोथीनेनी अपनी सहपाठी श्री लीला से बार बार उलझता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे नहीं पता कि वह कौन है। यह सभी लोग कैसे रास्ते पार करते हैं, इस कहानी में यही कुछ बताया गया है। किसी भी अन्य बोयापति श्रीनिवास फिल्म की तरह स्कंदा में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक है। ऐसे दृश्य जो परिवार और दोस्ती के महत्व को स्पष्ट करते हैं, ऐसी महिलाएं जिनके पास कोई एजेंसी नहीं है
और वे बदला लेने और बातचीत के साधन के रूप में मौजूद है। गुंडों को पीटने के 10 चालाक तरीके, संवाद जो नायक की तुलना भगवान से करे, आप इसका रहस्य जानते हैं। और फिल्म का पहला भाग यहाँ वहाँ मजाकिया होने की कोशिश करता है और इंटरवल से पहले चीज़ों को गहराई से समझने में अपना अच्छा समय ले लेता है, लेकिन जिस तरह से प्री इंटरवल और क्लाइमेक्स के दृश्य चलते हैं, भुयापति इस कहानी पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में अगली कड़ी, मतलब कि स्कंदा टू भी लगभग लगभग आएगी ही की तैयारी में अधिक रुचि रखते हैं। स्कंदा तब काम करता है जब इसे दोस्ती की कहानी के रूप में देखा जाता है। कैसे दोस्तों के दो समूहों द्वारा लिए गए निर्णय चीज़ों को गति प्रदान करते हैं, और राम को एक गाय को खींचते हुए भी देखना भी मज़ेदार है, जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, या श्री लीला के साथ नी चुट्टू चुट्टू या गंडारा बाई के साथ पैर हिलाना मज़ेदार है। लेकिन यह बहुत जल्द ही गड़बड़ा जाता है, क्योंकि बबलू पृथ्वीराज और प्रिंस सेसिल से लेकर गौतमी और इंद्रजा तक सभी फ्रेम के अंदर और बाहर आते रहते हैं। वास्तव में जब चीज़ें चरम पर पहुंच जाती हैं, तब सुविधाजनक होने पर स्थिति को बचाने के लिए एक और चरित्र लिया जाता है, थमन का स्कोर, जो फिल्म को कुछ दृश्यों में अच्छी मदद करता है लेकिन जोरदार है मायने नहीं रखता। संवाद अनजाने में मजेदार बन जाते हैं। राम पोथिनेनी के पास एक ऐसी फिल्म है जो नई बोतल में पुरानी शराब के अलावा कुछ भी नहीं है। वह अपने किरदार में सहज दिखते हैं, जिससे आपको आश्चर्य होता है कि उन्हें फिल्म में पर्याप्त स्क्रीन समय क्यों नहीं मिला। वह स्क्रीन पर अच्छे दिखते हैं और मुश्किल से ही लड़खड़ाते हैं। श्रीलीला एक सपने की तरह नृत्य करती है, राम की ऊर्जा के साथ सहजता से मिल खाती है, लेकिन वह कुछ भावनात्मक दृश्यों में लड़खड़ाती है और साई मंजरेकर भी ऐसा ही करती है। बाकी कलाकार जो पेश करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। स्कंदा ऐसी फिल्म नहीं है जिससे आप तर्क की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब इसमें केवल राम और कुछ एक्शन सीक्वेंस होते हैं तो मनोरंजन के लिए बहुत कुछ भी इसमें नहीं बच पाता है। जब किसी फिल्म का निर्देशक बोयापति सिनु के द्वारा किया जाता है, तो आप चेहरे पर हल्की हंसी या खुशी की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ कुछ इसी तरह की बात है। और आपने हाल ही में एक सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जहाँ एक ट्रक का कंकाल एक मोड़ पर बातचीत की प्रक्रिया में ड्राइवर और भारी भार को बाहर फेंकता हुआ आगे बढ़ता रहता है। निर्देशक बोयापति सिनु अज्ञात कारणों से फिलहाल उसी क्षेत्र में है। बेशक आप अखंडा की बॉक्स ऑफिस सफलता का नाम लेने से नहीं चूक सकते, लेकिन राम पोथिनेनी अपने चॉकलेट बॉय लुक के लिए जैसे भोले भाले व्यक्ति के साथ एक एक्शन एंटरटेनर के साथ प्रयोग करने से कई लोगों के होश उड़ गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रंजीत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रायडू, जो कि पूर्व मित्र से प्रतिद्वंदी बने हैं, जो एक दूसरे के प्रति द्वेष विकसित करते हैं क्योंकि उनके बच्चों को प्यार हो गया, इसके बाद यह जोड़ा एक नई दुनिया की खोज के लिए भाग जाता है। इस बीच राजनीति विज्ञान का छात्र राम, जो श्री लीला की टांग खींचता रहता है, मुख्यमंत्रियों की दो बेटियों का अपहरण कर लेता है। वह लड़कियों का अपहरण क्यों करता है? व्यवसायी रुद्र गंती रामकृष्ण राजू उन अपराधों के लिए मौत की सजा का इंतजार करते हुए जेल में क्यों सड़ रहे हैं, जो उन्होंने किया ही नहीं है? और कहानी जो है से यही बताता है। शुरुआत से ही स्कंदा स्क्रीन पर हर जगह लाल दिखाई पड़ता है। जब इसे निर्देशक बोयापति सिनु ने निर्देशित किया हो, तो आप चेहरे पर हंसी या खुशी की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की बात है। वास्तव में आपको 2.5 घंटे से अधिक समय तक तर्क को भूलना होगा और पात्रों के साथ बैठकर देखना होगा कि आगे क्या होगा। अजीब वस्तुओं से प्रहार होने पर गुंडे उड़ते रहते हैं, हालांकि स्कंदा में यह आम दृश्य है। इसके बाद लयबद्ध झंकार में संवाद होते हैं और हो सकता है कि हीरो द्वारा इतनी गंभीरता से डायलॉग बोलने पर आप जोर जोर से हंसने लगें।
बस यह सुनिश्चित करें कि आप हॉल में बोयापति प्रशंसकों के बीच नहीं बैठे हैं। स्कंदा एक पारंपरिक एक्शन ड्रामा है जहां आपको नायक को अपने परिवार के गौरव की प्रतिज्ञा करते और सम्मान बचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हुए देखने को मिलता है। जैसे निर्देशक ने अपनी पिछली सभी फिल्मों में गंभीर किरदारों पर व्यंग किया था, उन्होंने राम पोथिनेनी के साथ फिर से ऐसा ही किया है। नायक एक ही हथियार से 100 से अधिक हथियारबंद लोगों को मार गिराने का अभियान चलाता है और राम पोथिनेनी अपने रग्ड लुक से काफ़ी आकर्षक दिखते हैं और आप राजनीति विज्ञान के एक छात्र से अपेक्षा करते हैं कि वह कम से कम दिखावे के मामले में समझदार हो, लेकिन वह बिल्कुल विपरीत है। भारी अवतार स्क्रीन पर एक नया राम पोथिनेनी दिखाता है। एक बिंदु पर आप भूल जाते हैं कि यह स्क्रीन पर राम पोथिनेनी है। आप काले और नीले रंग में खलनायकों को पीटते नायकों के एक्शन दृश्यों पर सीटी बजाने के लिए अनजाने में अपनी सीट से उठ भी सकते हैं। यह सब बलैया है राम पोथिनेनी। यह स्पष्ट है कि श्री लीला को क्यों कास्ट किया गया है, तो फिल्म में मुख्य अभिनेत्री से ज़्यादा एक नर्तकी है। साई मंजरेकर व्यवसायी रामकृष्ण राजू की बेटी परिणीता के रूप में एक विस्तारित अतिथि भूमिका निभाती है। अधिकांश पात्र जैसे इंद्रजा और गौतमी चुप रहते हैं, जैसे कि वे सभी नाटक को प्रोत्साहन देने के बजाय एक्शन को केंद्र में रखने के लिए मौन है। स्कंदा बायोपति श्री न्यूकी एक नियमित और सूत्रबद्ध कथा है। यह तर्कहीन कहानी और बेतुकी कॉमेडी के साथ बड़े पैमाने पर दर्शकों में अर्थहीन अफीम पैदा करता है और गणेश विसर्जन के दौरान मौज मस्ती का दिन भी खराब कर सकता है। लोकप्रिय ट्विटर ट्रेंड के अनुसार आप वास्तव में कहे बिना कैसे कहते हैं कि आप बोयापति श्रीनु की फिल्म देख रहे हैं। राजनीति विज्ञान की कक्षा में मुख्य पुरुष नेता मुख्यमंत्री बनने की अपनी रणनीति पर चर्चा करते हुए कहता है, इयाले कोयले गट्टीगा और स्थे थोयले। उसका सहपाठी जो जीवन जीने की कला तकनीकों का अभ्यास करता है, एक समतावादी दुनिया देखने की उम्मीद करता है और राजनीति के माध्यम से और दोनों में प्यार हो जाता है। जब आप बोयापति श्रीनु फिल्म देखते हैं तो सावधान रहना सुरक्षित है। देखने के अनुभव के केवल दो परिणाम हो सकते हैं, या तो आप सिनेमाघरों को अकल्पनिक भावनात्मक उत्साह के साथ छोड़ दें या 15 मिनट पहले के भीतर निकास बोर्ड को घूरते रहें। कोई बीच का रास्ता नहीं है। स्कंदा निर्देशक के करियर की सबसे कम प्रभावशाली फिल्म है। दुखद बात यह है कि वह कठिन प्रयास भी नहीं करता है। फिल्म बोयापति टेम्पलेट के सभी मानकों पर खड़ी उतरती है और एक महिला खतरे में है और एक अति पुरुषवादी खलनायक बदला लेने के लिए भूखा है। संक्षेप में रोमांस कुछ व्याकुलता है, एक अंतरालीय मोड़ और उसके बाद एक मेलोड्रामेटिक फ्लैशबैक है। नायक स्थिति को संभालता है और एक धार्मिक अनुष्ठान के कारण रक्त स्नान का अंत होता है और आप कहाँ अचानक के बिंदुओं को भली भांति परिचित होकर थिएटर जाते हैं। हाल ही में बड़े पैमाने पर फिल्मों द्वारा निर्धारित निम्न मानकों के बावजूद भी यह कहानी हास्यास्पद है। तेलुगु राज्यों के दो अहंकारी मुख्यमंत्री एक विश्वसनीय उद्यमी के परिवार से के पीछे है जो काले धन को सफेद करने के उनके प्रयासों में सहयोग करने से इनकार कर देता है। नायक पूर्व मुख्यमंत्री का भतीजा उसकी बेटियों का अपहरण कर लेता है और उसके बाद सीएम को सब सिखाने की कोशिश करता है और उनमें से एक के साथ प्यार में पड़ जाता है। स्कंदा की सबसे बड़ी कमजोरी एक मौजूदा मजबूत भावनात्मक कोर की अनुपस्थिति है। नायक के बदला लेने के पीछे का मकसद कम समझ में आता है। टकराव रन टाइम को बढ़ावा देने का एक बहाना है। विडम्बना यह है कि तेलुगु राज्यों के मुख्यमंत्री ऊंची आवाज में चिल्लाते रहते हैं और सड़क के गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं। वे एक शक्तिशाली युवा की दवा पर निर्भर है जो कथित तौर पर सभी बाधाओं का पालन करते हैं।
पहले घंटे की बेतुकीता के बावजूद बोयापति ने कथा को कई घटनाओं से भर दिया है और जश्नों को सोचने के लिए ज्यादा जगह नहीं दी है। मध्यांतर के बाद सारी उथल पुछल मच जाती है। फूला हुआ साबुन वाला मेलो ड्रामा और 70 के दशक की शैली की दुश्मनी लगातार आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। इस बार नायकों के आयु वर्ग को देखते हुए निर्देशक के पुराने विचार और भी खराब लगते हैं। व्यापक प्रहारों को सहन करना कठिन है। रामकृष्ण राजू एक उद्यमी को समाज के उद्धारकर्ता के रूप में सम्मानित किया जाता है। बड़े दिल वाला नायक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट है, जो अपने माता पिता की देखभाल के लिए अपने गाँव लौटता है। पुलिस भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री नासमझ है। हमेशा की तरह बोयापति के ब्रह्मांड में कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। सिर ऐसे उड़ते रहते हैं मानो खिलौने हो, खून पानी की तरह बहता है। अब आप बोयापति शैली की सामूहिक फिल्म के प्रगतिशील होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह दुखद है कि फिल्म निर्माता समय का जायजा लेने से इनकार कर देता है। महिलाओं को परिवार के सम्मान के रूप में देखा जाता है, जिन्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। पुरुषों का विशाल अहंकार, अंततः निर्णय लेने वाले और संरक्षण। कोई अच्छी खबर है, फिल्म के भीतर सिकंदर 2 की घोषणा है, लेकिन इसके पूरा होने की संभावना नहीं है। और यह निराशाजनक है कि राम पुथिनेनी जैसी क्षमता वाला कोई व्यक्ति अपनी स्क्रिप्ट के चयन में बार बार गलतियां करता है। श्रीलीला की उपस्थिति, जो कि मामूली उपस्थिति है, गानों के दौरान सबसे अच्छी तरह महसूस की जाती है। वह अनजाने हास्य कलाकार है। यह आश्चर्यजनक रूप से श्रीकांत है, जो अधिक 90 तुल्य दिखते हैं और कई बार डेसिबल के स्तर को नियंत्रित रखते हैं। राजा दुग्गुबाती ऑन स्क्रीन पिता कम और राम पुथिनेनी के PR अधिक हैं। शरत लोहित तस्व एक बार फिर व्यंगात्मक खलनायक बनकर रह गए हैं और प्रिंस सेसिल की छवि में बदलाव की कोशिश सफल नहीं हो पाई है। अनुभवी कलाकार इंद्रजा गौतमी पृष्ठभूमि में फर्नीचर के एक टुकड़े की तरह दिखाई देते हैं। थमन के औसत दर्जे के एल्बम में नी चुट्टू चुट्टू और गंडरा बाई सबसे अच्छे हैं, जबकि बैकग्राउंड स्कोर भी अकल्पनीय है। स्कंदा एक ऐसी फिल्म है जो बोयापति की पिछली फिल्म विनय विद्याराम को भी असीम रूप से बेहतर बनाती। यहाँ कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह फिल्म निर्माता के लिए काम का एक बुरा दिन है। राम पुथिनेनी की लिस्ट चयन की समस्याएं जारी है और संगीतकार थमन, जो एक्शन मनोरंजन के शौकीन है, बड़े अंतर से वो चूक जाते हैं। बोयापति सीनू की फिल्मों में भौतिकी की कमी या उनकी हालिया रिलीज स्कंदा में राजनीति विज्ञान कक्षा की आश्चर्यजनक उपस्थिति। मेरा मतलब है, एक बार के लिए बीटेक कक्षा नहीं देखना अच्छा है, से बिल्कुल ही परे है। यह भूगोल और समाजशास्त्र के प्रति निर्देशक का निरंतर जुनून है। यह अधिक विश्लेषण की मांग करता है। यह निश्चित है कि इसमें कई बारीकियाँ नहीं है, लेकिन यह बारीकियों की कमी है, या यूं कहे कि राजनीतिक शुद्धता के प्रतीक निर्भीक उदासीनता है, जो एक मनोरंजक विडंबनापूर्ण स्वागत का कारण बनती है। झांसी की तेलंगाना उच्चारण, नए पैसे, बोयापति की तुलसी में, कोका पेट चाची या सराय नोरू में विद्यु रमन द्वारा निभाई गई सांभर गजलिंग संभावित रूप से निंदनीय तमीज सेल्वी के बारे में सोचे। वे बहुत भड़कीले लेकिन मनोरंजक थे। हमने उनके पात्रों के द्वारा प्रस्तुत आक्रोश का विश्लेषण किया है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में क्रूर तरीके से संसाधित मजाक के साथ। स्कंद को काटकर ऐसा महसूस होता है कि निर्देशक ने कुछ मायनों में उस रूढ़िवादिता को पार कर लिया है। आखिरकार जब हमें फिल्म की शुरुआत में दो प्रमुख पात्रों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से परिचित कराया जाता है, तो वे पूरी तरह से भिन्न नहीं होते हैं। दोनों अपराध में धनी भागीदार हैं और उनके रास्ते में आने वाले लोगों को मारने की समान प्रवृत्ति रखते हैं। उनके दोस्त बनने के कारण उतने ही स्वाभाविक लगते हैं जितने कि वे दुश्मन बन जाते हैं, और ऐसा लगता है कि दोनों को इस बात का एहसास भी है। एक बिंदु पर फिल्म अनंतपुर को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में भी प्रदर्शित करती है। एक पूरी तरह से अलग स्पर्श रेखा में ये दो विवरण मुख्यमंत्री और राज्य की राजधानी का हल्का संशोधनवादी विचार
मेरी इच्छा है कि बुयापति श्रीनु राजनीति पर अपने विचारों के बारे में बात करने के लिए जो रोगन शैली पॉडकास्ट पर उपस्थित हो, सटीक होने के लिए तेलुगु राज्यों का विभाजन। हालांकि फिल्म के बाकी हिस्सों ने इसके अभिनेताओं को बहुत कुछ नहीं दिया, इसे देखने वाले दर्शकों की तो बातें ही बिल्कुल छोड़ दें। जब आप फिल्म के पहले 5 मिनट में एक जोड़े को हेलीकॉप्टर में भागते हुए देखते हैं तो स्कंदा का बोयावाद तुरंत सामने आ जाता है। श्रेय जहां उचित है, पहले भाग में एक कहानी की झलक मिलती है। मातृ शोका गुड़िया की तरह सामने आने वाले फ्लैश बैक के भीतर कथात्मक गलत दिशा निर्देशों और फ्लैश बैक की एक श्रृंखला में हमें राम के चरित्र से परिचित कराया जाता है। उनके और श्री लीला के चरित्र के बीच एक चंचल खिंचाव है जो मनमोहक से अधिक कष्टप्रद है, लेकिन इससे पहले की शिकायत अपनी तीव्रता बढ़ाती हमें नायिका को पृष्ठभूमि में धकेलने से पहले कुछ मजेदार नृत्य दृश्य सौंप जाते हैं। नृत्य एक ऐसी फिल्म के रेगिस्तान में एक स्वागत योग्य नकलिस्तान है जिसमें कोई रचनात्मक पानी नहीं है, यहाँ तक कि कमजोर संगीत स्कोर के साथ भी। एक और नायिका साई मंजरेकर है जो श्रीलीला जितनी ही मोहरा है। हमें इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है कि चीज़ों की बड़ी योजना में ये पात्र कहाँ है। स्कंदा का दूसरा भाग जहाँ कथानक धीरे धीरे सुलझता है, दर्शकों के धैर्य की परीक्षा लेता है, फिर फिल्म का बाकी हिस्सा इतना अधिक भुगतान करने वाला नहीं है जितना कि यह एक टर्न ऑफ है। कई कारण हैं कि क्यों स्कंदा उतनी सशक्त मसाला मनोरंजक फिल्म नहीं बनी जितनी वह हो सकती थी। फिल्म के एक एक्शन दृश्यों की गति और ऊर्जा प्राथमिक दोषी है। फिल्म की शुरुआत में राम एक पंक्ति कहते हैं कि उन्हें केवल ध्यान और उत्थान की आवश्यकता है, लेकिन घमंड के ये जुड़वा अवगुण फिल्म के सबसे बड़े दुश्मन साबित होते हैं। अभिनेता को उसके सबसे वीरतापूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश में फिल्म स्लो मोशन शॉट्स का तब तक दुरुपयोग करती है जब तक कि वे अपना प्रभाव नहीं खोते थे। एक या दो घटनाएं हैं, जैसे जब राम अपने पिता को निशाना बनाकर भाला पकड़ता है, या जब वह तीर चलाने के लिए दो खलनायकों की भुजाओं को धनुष के रूप में उपयोग करता है, लेकिन अधिकांश भाग में कार्रवाई सबसे कमजोर होती है। मोनोलॉग थकान पैदा करने वाले भी होते हैं। नायक के पिता के द्वारा उसकी संतान की महानता के गीत गाना एक बात है, लेकिन खलनायक से बिल्कुल वही काम करवाना हो सकता है कि इसने बालकृष्ण जैसे किसी व्यक्ति के साथ काम किया हो जिसके पास निर्माण को प्रमाणित करने के लिए दशकों की स्टार पावर है। राम को अपनी सारी प्रतिभा और बचकाने आकर्षण के बावजूद एक विनम्र शुरुआत वाला किरदार निभाना चाहिए था जो धीरे धीरे एक नायक बन जाता है। आमतौर पर बोयापति फिल्म में महिलाओं का इतना कम महत्व होता है कि बोयापति की फिल्मों में महिलाओं के अस्तित्व के लिए बेच डेल परीक्षण के अपने संस्करण की आवश्यकता होती है। केवल नायक के संबंध में उनके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए बोया परीक्षण यदि आप कर सकते हैं, हालांकि स्कंदा की महिलाएं बोयापति की पिछली फिल्मों की महिलाओं से काफ़ी अलग महसूस करती है। एक महिला है जो एक तय विवाह के बस से बच निकलती है जिसने उसे बेड़ियों में जकड़ दिया होता। एक महिला सीईओ है, ऐसी महिलाएं हैं जो झूठ बोलती हैं, जो महिलाएं खुलेआम फ्लर्ट करती है। इस मिशन में एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ भी है। आप जो चाहे कहें, बोयापति छोटे छोटे कदम उठा रहा है। हो सकता है कि स्कंदा सिम्हा के बाद से इस्तेमाल किए जा रहे फार्मूला की आखिरी फिल्म हो। फिल्म और इसकी अनगिनत निराशाओं के बावजूद जब मैंने पोस्ट के दृश्य देखा तो मैंने खुद को मुस्कुराते हुए पाया। यह एक मेकिंग ऑफ मेंटोज है जिससे बोयापति के सभी प्रशंसक परिचित हैं, जिसे हमें से बहुत से लोग मार्वल पोस्ट के दृश्य की तुलना में अधिक उत्साह के साथ देखते हैं। बोयापति एक ऐसे व्यक्ति है जो वास्तव में अपनी अनूठी आनंदमय विलक्षण ब्रांड की फिल्में बनाने के लिए के प्रति जुनूनी है, और आइए आशा करें कि उनकी अगली फिल्म उनकी पिछली फिल्मों का एक और रूपांतर न हो या थमन के संगीत पर फिर से निर्भर न हो।
तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हो तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।